जितने भी लोग कह रहे कमियां सब हमारी ही है, कोई दूसरा नहीं रोक रहा है हमको, ये ध्यान रखना। सारे के सारे यहाँ जो 255 लोग बैठे हैं, अब तक जितनी भी बात निकल के आई है सब में यही आई है कि जुड़ने जुड़ने में कमी हमारी ही है, सारी सारी जो किसी दूसरे की नहीं है। यानी कि जिसको दुश्मन दुश्मन और शत्रु शत्रु करके बोला जाता है, यहाँ आज सभी के माइक खुले रहेंगे। मैं कॉन्सेप्ट को 30 सेकंड में खत्म करूंगा और उसके बाद एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। उस प्रश्न के बदले में आप लोग जवाब देंगे हैंड रेज कर कर, एक साथ नहीं देंगे, आराम से बात करेंगे। और एक एक व्यक्ति जो हैंड रेज करेगा जिस नंबर से, उससे वो जवाब आएगा। जवाब बहुत शॉर्ट में आना है। कंसेप्ट ये है, जुड़ना है और जोड़ना है, जुड़ेंगे और जीतेंगे। कंसेप्ट आज का पूरा हो गया। अब मेरा सवाल आपसे है, आपको जुड़ने से रोक कौन रहा है? आराम से आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट सोचें। और यहां व्याख्या नहीं करनी है, यहां भाषण नहीं करना है, आपने ये बताना है अच्छी तरह सोच के कि आपको जुड़ने से, हम सबको जुड़ने से कौन रोक रहा है। वो जो कौन रोक रहा है, कौन है वो, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका पता करना है। जो व्यक्ति जितना सोच सकता है आराम से सोचे, हाथ उठाए, आज नहीं बता सकता है तो कल बताए, उससे हमें जुड़ने जोड़ने के कंसेप्ट में आगे और क्या क्या करना है, क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, क्या क्या परेशानी है, उससे फायदा मिलेगा। तो 1 घंटे तक मीटिंग मैं ही चलाऊंगा, आज का यही कंसेप्ट है। सबसे पहले आर्य मित्तल जी, जी सर, आर्य मित्तल जी बताएं सर जी, जुड़ने से कौन रोक रहा है? और भाषण नहीं होगा भाई, ये ध्यान रखना। खुद का एजिटेशन है, मैं आर्य मित्तल जी सर जी। कौन रोक रहा है आपको? जी मैं मेरा ये कहना है कि हमको कोई नहीं रोक रहा है, हमारा खुद का एजुकेशन है जो बरसों से हमारे अंदर जो है ना घुसा हुआ है, वो उसके दिमाग में लगा रहता है कि अगर हमने ये सब किया तो कोई हमको क्या कहेगा। मतलब आपका कहना है कि हमें कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रोकता है, हम खुद रुके हुए हैं, ठीक है, कमजोरियां जो है वही रोक रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। व्योम व्योमकेश जी बताए सर। जी सर, जय भीम, नमस्ते सर, बोलिए सर। सर हमें कोई नहीं रुक रहा है, हमने जो देखा है और मैंने जो सुना है और मैंने लोगों से बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो मेरे जो एक्सपीरियंस है उसे मैंने देखा है, हमें कोई नहीं रुक रहा है, रुक नहीं रहा है, हम अपने आप रुक रहा है, हम काम करें तो कोई रुकने मतलब वाला है। आप पूरा भाषण नहीं करना है, आपने एक शब्द में कह दिया कि कोई नहीं रोक रहा है, हमने खुद अपने आप को रोका हुआ है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चरण जी, चरण सिंह जी बताएं सर। जय भीम सर, बोलिए सर, बोलिए सर। हमें कोई नहीं रोक रहा है, जो भी मिला हमें फ्री में मिला है बाबा साहब की बदौलत। नहीं अभी अभी भाषण नहीं करना है, जब कोई नहीं रोक रहा है तो हम रुके हुए क्यों है, बस ये बताना है आपने। बाबा ये इस रुके हुए नहीं है, सिर्फ ये जो हमें फ्री में मिला ना उसका एहसास नहीं है हमें। नहीं, हमें जोड़ने से कौन रुक रहा है, हम जुड़ नहीं पा रहे, सारे इकट्ठे नहीं हैं, तो आपके हिसाब से जो फ्री में सामान मिला है वो हमें रोक रहा है। हाँ सर, वो फ्री में जो मिला है उसका हमें एहसास नहीं है, उसका हम ऋण अदा नहीं कर सकते, ऋण अदा करना नहीं चाहते। अच्छा, जो फ्री में मिला है उससे रुके हुए हम। हाँ सर, फ्री में मिला हुआ अगर मेहनत करके मिलता, हमारे बुजुर्ग अगर इसके लिए मेहनत करते, हमारे बाप दादे, मतलब फ्री के रुके, जो फ्री में हमें मिल गया उसकी वजह से हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। हाँ सर, ठीक ठीक, धन्यवाद। हाँ सूर्य, सूर्य कुमार सर बताएं सर। जी सर, जय सर, हमें जो रोकता है वो हमारा मन रोकता है, बाकी हमें कोई नहीं रोकता है। मन रोकता है यानी कि हम खुद अपने मन के द्वारा रुके हुए हैं, हम चलना, हम इकट्ठा नहीं होना चाहते, ठीक है सर। जी जी सर, और कोई नहीं है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सिम मंगल सर जी बताएं सर।
टिंडे क्यों नहीं खाते? मंगल सर बताएं, स्वार्थ है सर, हमारे जो निजी स्वार्थ है वही रोक रहे हैं हमें जुड़ने से। हम जिस दिन निजी स्वार्थ जोड़ देंगे स्वतः जुड़ जाएंगे। हमको निजी स्वार्थ रोकता है, ठीक है सर। आर जी कुलील सर बताएं सर। हाँ सर, मेरी समझ से तो जो है आप अहंकार लोगों का जो है नहीं जुड़ने दे रहा। अहंकार सब अपने अपने में अहंकार में जुटे हुए हैं कि संगठन के मुखिया बन जाए। अहंकार हमारा अपना ही है ना? जी जी बिल्कुल। तो मतलब अपना अहंकार नहीं, अपना अहंकार रोक रहा है हमें, ठीक है ना सर? अहंकार रोक रहा है हमारी। ठीक ठीक सर, धन्यवाद सर। काशीनाथ पाल सर बताएं। जय भीम, नमो बद्धाय सर। हम हमारे हिसाब से सर, जो हमारे बीच में कुछ संगठन है वो हमको रोक रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सर वो संगठन आपके घर के रोकने के लिए है? नहीं सर, वो क्योंकि क्या है कि वो चाहते हैं कि मतलब उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए उनसे हमको दिक्कत हो रही है। ये है कि आपको लगता है कि दूसरे लोग आपको रोक रहे हैं जी, और जी। आप उनकी वजह से रुके हुए हैं, ठीक है सर? नहीं रुके तो नहीं, हम तो काम कर रहे हैं सर, लेकिन दिक्कत हो रही है। ठीक ठीक, धन्यवाद काशीनाथ सर जी। सर हाँ, वरुण सिंह सर जी प्लीज बताएं। बोली सर। सर हमें अपने आप ही रोक रहा है, हम खुद ही रुके हुए हैं। हम जो है जो बाबा साहेब की शिक्षा थी वो हमने सही से नहीं ग्रहण की, इसीलिए हम रुके हुए हैं। हम सही नहीं है कि मतलब हमको कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रोक रहा है, हम खुद ही रुके पड़े हैं, खुद ही रुके हुए हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जबर सिंह जी बताएं सर। डॉक्टर जबर सिंह जी सर जोर से बोलिए। हेलो हेलो सर, आ रही है सर। हाँ हाँ, हम जो मूल निवासी है सर, हम मूल निवासियों को हमारा इतिहास ही नहीं जानकारी है, इसलिए लोग जुड़ने से रुकते हैं। हमारी अज्ञानता हमको रोके हुए सर। जी जी जी, मूल निवासी अपने इतिहास को ही नहीं जानता है, इसलिए जुड़ने से रुके हैं लोग। अज्ञानता हमारी है ना? नहीं नहीं सर, मूल निवासी इतिहास को ही नहीं जान पा रहा, हमारे जो नबी मतलब जो मूल निवासी इतिहास नहीं जान पा रहे, यानी मूल निवासी इतिहास जो लोग हैं वो अपनी इतिहास नहीं जानते, अज्ञान है उससे, ये कह रहे ना आप? जी जी जी, ठीक है। यानी कि जो हम लोग हैं अभी अभी जानकार नहीं है, अभी अपने मूल इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं जुड़ पा रहे सब लोग। जानकारी का अभाव मान लें? जी बिल्कुल, जानकारी का अभाव है। हम जैसे आप लोग प्रयास कर रहे हो और लोग कर रहे हैं, अगर इस तरह से होते हैं तो जानकारी बढ़ती रहेंगी और लोग जुड़ेंगे। बात करनी है वो अभी, क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज हैं। आपका धन्यवाद जी। इतिहास की जानकारी, ओके सर। एसआर बॉस सर बताएं। और ना आ रहा फोटो है ना, खत्म। एसआर बॉस सर अपना माइक खोलें, अपना माइक खोलें। नमो बुद्धाय सर जी, हमें किसी को भी कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है, अगर वो स्वयं चलना चाहे। अगर वो स्वयं बाहर के व्यक्ति ने नहीं रोका हुआ है, खुद रुके पड़े हैं जी, खुद रुके पड़े हैं। जागरूकता का अभाव है स्वयं में, अधिकतर लोग यही बात बता रहे हैं कि हम खुद रुके पड़े हैं, कोई नहीं रोकता हमें जी, बहुमत यही कह रहा है। राम जी प्रसाद सर बताएं सर। तो हमारे अंदर कमी है, आत्मविश्वास कमी है, कुछ लोगों में सर जागरूकता भी, जागरूकता की भी सर कमी है सर, लोगों में भी जागरूकता भी कमी है, लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि जहां हम हैं वही ठीक है। अच्छा सर, जिनमें जागरूकता आ गई वो जुड़ गए क्या? जी सर, मेरे अंदर सर जागरूकता गया, मैं तो जुड़ गया। नहीं नहीं, मैं तो रामजी प्रसाद सर आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, जो इतने सारे जो ये लाखों की संख्या में जगह पड़े लोग हैं, क्या वो जुड़ गए? मैं इतना सा पूछता, हाँ या ना कर देते बस। लिख लिया मैंने आपका जागरूकता की कमी। जी सर, ठीक, धन्यवाद सर। आर के बॉस सर बताएं प्लीज। सर सर एक्चुअली सर क्या, अगर हम समाज को तीन भागों में डिवाइड करते, किसान, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, किसान की अलग समस्याएं, मध्यम वर्ग की अलग समस्याएं, उच्च वर्ग की अलग समस्याएं, आप तीनों की एक एक शब्द में बता दीजिए हमें। तो दरअसल क्या है, लेक्चर नहीं होगा अभी, सिर्फ आप ये बताएं कि हमें जुड़ने से कौन रोक रोक रहा है, सवाल ये है। क्या मैं सिर्फ हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें कुछ डाउट्स हैं बस,
नहीं, डाउट्स की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी तो सिर्फ आप ये बता दो कि जो आपने इतनी देर सोचा समझा है कि हमें जुड़ने से कौन रोक रहा है। पूरा भाषण नहीं है, भाषण तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक टाइम देंगे तो, 3-3 घंटे का बोलेगा। राइट सर, मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। थैंक यू सर। ओके सर। अशोक बहुत गुड़गांव से, सर बताएं। जय भीम सर। सर इसके लिए हम खुद स्वयं जिम्मेवार हैं सर। हमारे लोगों को, हाँ खुद है सर, जोड़ने में लोगों को इतनी शर्म आती है दूसरों को बताने में कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं सर, मैं तो यही कहूंगा। ठीक सर, थैंक यू। मणिलाल बंजारे सर। जय भीम सर जी, जय संविधान। संविधान के प्रति अज्ञानता, राजनीतिक स्वार्थ और हमारी समर्पण की कमी के कारण रुका हुआ है सर। आपने 3 बता दिए सर, अज्ञानता है, आपको संविधान की कमी है और समर्पण नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ममता बहन जी, ममता बहन जी बताएं। जी नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय बहन। मूल निवासी, हेलो आवाज आ रही है, मूल निवासी अपने इतिहास से अनभिज्ञ है, अज्ञानता इस वजह से नहीं जुड़ पा रहा है। जी जी बिल्कुल, अज्ञानता है ना बहन जी। ठीक है, जी जी बिल्कुल उसमें जुड़ी नहीं को मिलेगा। डॉक्टर एम के वर्मा जी सर बताएं। सर मेरा इस बारे में एक विचार है कि आज का जो समय है बहुत ही कॉम्पिटेटिव है और हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा और हर चीज में हमें ये तो सर आप उपाय बता रहे हैं, मैं तो अभी सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हमें जुड़ने से रोक कौन रहा है। हमारी अज्ञानता। अज्ञानता, ठीक है सर। हाँ धन्यवाद सर, थैंक यू। हाँ चंजीव लाल जी, चंजीव लाल सर बताएं। हाँ सर, सर सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हम आपका जो क्वेश्चन है सर उसका मेरे पास सिर्फ यही है कि हमारी पहली प्रथम जो है अज्ञानता और संगठन की ताकत को ना पहचानना, ये चीज हमें रोक। जी थैंक यू वेरी मच सर। आप राजेश सर बताएं। सर हमारा अहम रोकता और कोई नहीं रोकता, हमें जुड़ने से हमारा अहम रोकता है और अहम रोकता है सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। महेश बाबू आगरा से जी सर बताएं। महेश बाबू अपना वो खोलिए, माइक खोलिए सर, माइक खोलिए सर, माइक। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय संविधान। एक्चुअली हमें तो कोई नहीं रोक रहा जुड़ने के लिए, लेकिन इतने ग्रुपों से लोग जुड़े हुए हैं उसका वो एक हिचकिचाहट वो है आपस में, इसलिए अभी नहीं जुड़ पा रहा। मतलब हमें कोई नहीं रोक रहा, हमें कोई नहीं रोकता, ठीक है ना जी। यानी हम खुद रुके हुए हैं जी, बिल्कुल अभी कंफ्यूजन में, मतलब इतने ग्रुपों से आदमी जुड़े हुए हैं क्योंकि अगर हमें कोई नहीं रोकता है तो इसका मतलब हम खुद रुके हुए हैं ना, दो में से एक बात होगी। जी बिल्कुल हम खुद रुके हुए हैं, खुद रुके हुए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सचेंद्र बौद्ध दतिया से बताए सर। अपना माइक खोले सर, अपना माइक खोले। बोलिए सर। ज्ञानता और स्वार्थवश भावनाएं रोकती है ना। अच्छा जो लोग हैंड रेज नहीं करना चाहे वो लिख भी सकते हैं अपने उसमें क्या बोलते हैं इसमें चैट में। चलिए ठीक है सर। हाँ एडवोकेट नसीमुद्दीन अंसारी सर बताएं सर। एडवोकेट नसीमुद्दीन अंसारी सर बताएं। सर सभी आदर जी, जय सन। सर जो अस्तित्व यानी यूनिटी स्ट्रेंथ अपनी ताकत को समझते हुए कोई रुकता नहीं सर। थैंक यू वेरी मच। या तो मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज आ नहीं रही है सर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ
हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत है, हम इसकी ताकत को नहीं समझ रहे हैं, हम कोई दूसरा नहीं रोक रहे हैं। मतलब हमारी अज्ञानता बोले, इग्नोरेंस जी, यूनिटी, थैंक यू वेरी मच, ताकत नहीं समझ पा रहे, हमारी ताकत है, हमारी अस्तित्व क्या है, जानकारी, जानकारी का अभाव है, हमें अज्ञानता है, ठीक है ना सर, इग्नोरेंस है। थैंक यू सर। सुभाष बमबनकर सर बताएं सर। जी सर, हमारा ईगो, हमारा विचार, हमारी अज्ञानता और सामने वाले का भी सेम पोजीशन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तीन चीज बता दी आपने सर, अज्ञानता, ईगो, सामने वाले की पोजीशन, समझ और सामने वाले की, तीनों से पोजीशन, सामने वाले की समझ, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आप भीमसेन बहुत जी बताएं सर। जी सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि वर्षों से जो मनुवाद की प्रतिमा हमारी तरफ, वो हिंदुवाद ही है, जिस कारण से हमें जो बाबा साहब की वो ये आवाज मुझे नहीं आ रही है, सब नहीं आ रही नहीं होती, कारण हमारे लोग अज्ञानी हैं सर। मेरा माइक तो खुला हुआ है, ठीक है सर, आ रही है आवाज, आ रही है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर। जगदीश, जुगेश सर बताए, जुगेश सर। हाँ जय भीम सर, नमो बुद्धाय सर, बताए सर। हाँ मैं सर, ये मेरे जो दिमाग में जो बात आ रही है, ये आ रही है कि जो हजारों साल का जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, हमारे जो नकली हिंदू बने हुए हम, अज्ञानता क्या है इसको एक शब्द में, अज्ञानता, अज्ञानता, तो वो निकलने नहीं दे रहा है, क्योंकि धर्म है ये, धर्म जो है कि कहीं ये जो लोग हैं कि हमें बुद्धिस्ट ना बना दे, ऐसा लोगों के दिमाग में बात है कि जो हमारी जानकारी नहीं है हमारे पास में, इसलिए हमारे लोग ऐसा ऐसे नहीं जुड़ पाते, हमारे पास में राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सही जानकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक ठीक, ओके सर, थैंक यू। सुधीर कुमार सर बताएं, बहादुरगढ़ से। सुधीर कुमार सर जी। सर सभी को जय भीम। हमारा अहम है जो हमारे को जुड़ने नहीं दे रहा और कोई नहीं रोक रहा, यानी कि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, हमारा खुद का अहम है। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। आर के बॉस सर पालम से, दिल्ली से सर बताएं। माइक खोलिए सर अपना, माइक खोलिए माइक। सबसे पहला है हमारा अहंकार, खुद का अहंकार, दूसरा अहम आ गया, अहंकार ईगो आ गया, ठीक है सर, ईगो और जानकारी का अभाव, और तीसरा सामने वाले, का जो व्यवहार है वो, बस तीन चीजें हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। नंदन सिंह जी बताएं सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी सर, नफरत का नजरिया भी है सर, एक और पद प्रतिष्ठा, पैसा, उसका अभिमान, घमंड, ये भी है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। रामवीर सिंह बौद्ध जी बताएं सर। जी, आप सभी को नमो बुद्धा, जय भीम। सर, लोगों के पास में इतिहास की जानकारियां नहीं है, जानकारी ना होने के अभाव में वो समझ ही नहीं पाते कि जाना कहाँ है और करना क्या, अज्ञानता। जी, थैंक यू वेरी मच सर। स्पोक सीएल लाल समर सर सूरत से। सर, हमको दरअसल हमारा मन रोक रहा है, हम मन नहीं बना पाए जुड़ने का, मन रोक रहा है, वेरी गुड जी सर, थैंक यू। बच्चे लाल जी बताएं सर। सर, हमें अपनी गुलाम है, हमें अपनी गुलामी का एहसास नहीं है, जानकारी का अभाव क्या है, हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, जानकारी का वो एक जानकारी कमी, कह सकते हैं सर, कह सकते हैं सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। बहन जी गीता गोरिया जी। हाँ जी भाई साहब, ये ना जातिवाद है इसका मेन कारण, जातिवाद, ये हम जाते ही नहीं है एक दूसरे के पास, हम आप अपनी जाति में सिमटे हुए, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद है बालचंद बौद्ध सागर से, एमपी से, बताएं सर।
जी सर, मुझे जो किसी से जुड़ने से कोई नहीं रोकता, मैं जुड़ा हुआ हूँ, बस मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण हैं कि मैं ज्यादा लोगों से नहीं जुड़ पा रहा हूँ, नहीं जोड़ पा रहा हूँ, बाकी मुझे कोई किसी से जुड़ने से नहीं रोक पाता। कोई नहीं रोकता, जो रोकता है व्यक्तिगत रुकते हैं, ठीक है ना सर। कुछ व्यक्तिगत निजी व्यस्तता है जिसके कारण मैं ज्यादा लोगों से नहीं जुड़ पा रहा, जुड़ा तो बहुत से लोगों से हूँ, ज्यादा लोगों से नहीं जुड़ पा रहा ना जुड़ा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अनूप दहिया जी बताए सर। जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर सर, ये अपने जो लोगों को मैन जुड़ने का नहीं कारण है, वो सर अज्ञानता है कि राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास, यानी अज्ञानता है, जानकारी का अभाव है। जी सर, क्योंकि जहाँ भी बाबा साहब की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि जातिवाद की बात करते हैं, लोग एक जाति की बात करते हैं। ओके सर, ओके। एसआर बॉस सर, आप दोबारा आगे नंबर पे। एसआर बॉस सर, आपका हैंड रेज दोबारा से। सुरेश बराजी हिसार से बताएं सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर सर, मेरे हिसाब से जो डिजिटल आजकल जो जमाना है उसमें जानकारी का तो कोई अभाव नहीं है, सिर्फ हमारी जो कंफर्ट जोन है वही हमें रोक रहा है सर। यानी कि हम आलसी हो गए सर, है आलस रोक रहा है हमको। हाँ जी सर, ठीक ठीक। हमें जो विलासता मिली हुई है, जो बाबा साहब ने विलासता दी है, वो रोक रही है हमको, आलस विलासता है। हाँ जी सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। विनोद कुमार, विनोद अहिरवार सर। जी सर, नमोदा सर, जय भीम सर। सर सर, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि लोगों का अहम और लोगों की अज्ञानता और उनके अंदर जो डर बैठा हुआ है मनुवाद के प्रति, कि कहीं वो हमें मान नहीं दे, क्योंकि गांव में बहुत लोगों की हत्याएं हो जाती है सर मनुवाद के डर में, इसे लोग जुड़ते नहीं है सर, दूर रहना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक डर बैठा हुआ है, डर की वजह से नहीं जुड़ते लोग। बिल्कुल सर, गाँव में बहुत ज्यादा डर है सर मनुवाद का, बहुत ज्यादा डर है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर, पवन कुमार सर बताए। हेलो, हेलो। हाँ बोलिए सर, पवन कुमार सर। नमो बुद्धाय सभी को। बोलिए सर। सर जैसे कि लोग बता रहे हैं कि इसमें सर कई कारण है सर, जैसे जानकारी का अभाव है, इतिहास है, लोगों को इतिहास नहीं पता अपने महापुरुषों का, और सर दूसरे संगठनों में हमारे लोग जुड़े हुए हैं जी, संगठनों में जुड़े हुए हैं, और अपने ही लीडर्स भी उसमें गद्दार है सर, दूसरे संगठन जो ब्राह्मणों के मनुवादियों के संगठन है उसमें जुड़े, वो तो कारण है ही, लेकिन जो अपने संगठनों में हम लोग जुड़े हुए हैं उसके संगठन के जो अध्यक्ष बने वो भी गद्दार निकले सर, उन्होंने भी समाज को धोखा दिया है, और सर लोग इसके लिए दूर के जो पवन सर, पवन सर लेक्चर आज नहीं होगा क्योंकि बहुत हैंड रेज है, सिर्फ एक शब्द में बताना है आपने कि क्या क्या चीज रोकती है, जैसे बाकी लोगों ने बताया सर। सर अब लोग विश्वास नहीं कर पा रहे संगठनों पर, जो नए नए संगठन अविश्वास, अविश्वास की वजह से नहीं जुड़ रहे, अविश्वास एक कारण हो रहा सर। अब हमारा एक भावना और आ चुकी है लोगों में कि अब हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हम सुरक्षित है, हमें सब कुछ मिल चुका है, ये उनके मन में भाव आ चुका है, कंफर्ट जोन भावना आ गई है, उनमें आ चुकी है, लग रहा है कि अब हम सेफ है, बस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हमारे हम आईएएस बन चुके, डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस बन चुके, अब हम सेफ है बिल्कुल, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में है, संविधान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यही सोच रहे लोग बस। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे पतन का और हमारे संगठन, हमारे नेता जुड़ने का लोग। सुनंदा केलुस्कर। लेकिन समाज में आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, बोलिए 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 बोलिए। मुझे किसी ने नहीं रोका, मुझे किसी ने नहीं रोका, और कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अभी लगता है कि समय में एक प्रकार की निष्क्रियता आई है, इसलिए जुड़ नहीं पा रहे। मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं सुन पाया, आप चैट बॉक्स में डाल देंगी कि आपको जुड़ने से किसने रोका हुआ है तो अच्छा रहेगा। एसबीयूके सर बताएं। सर एसबीयूके सर, एसबीयूके सर। हाँ हेलो सर, आवाज आ रहा है सर? बताएं सर। सर एक्चुअली क्या लग रहा है कि हमारा जो समाज है ना सर, तो अपने ही लोगों के द्वारा ये काफी सताया हुआ है, या पल पल पे
या पग पग पर जो है अपने ही लोगों से काफी ठोकरें खाया हुआ है, तो इस वजह से शायद लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि बिलीव किस पर करें। सर अविश्वास की भावना है, विश्वास नहीं है। ठीक है सर। विभा रानी एंड अरुण कुमार मुजफ्फरनगर से बताएं सर। जी सर, हमें कोई डर नहीं है, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हम एक गुलाम प्रवृत्ति के समाज के लोग हैं, इसीलिए हम लोग लड़ना नहीं चाहते। आप जुड़े हुए हैं, मगर अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि जो लोग हम हैं सारे सारे वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, मगर आपने कहा कि जुड़े हुए हैं, ठीक है सर, ये पॉजिटिव बात है, लेकिन गुलाम प्रवृत्ति के समाज के लोग हैं, इसीलिए लड़ना नहीं चाहते। गुलाम प्रवृत्ति? हाँ हाँ सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सुंदर प्रकाश सर बताएं। डॉक्टर बहादुर सिंह पहले आप बता दीजिए, बताएं सर। सुधा जी जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा विचार है जो पढ़े लिखे लोग हैं सभी जागरूक हैं, जुड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई उनके पास दबाव नहीं है, कोई उनको रोक रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ समय की वजह से या किसी अन्य कारण से वो न जुड़ रहे हों, लेकिन जिनको मैंने जोड़ा है वो जुड़े हैं और इंटरेस्टेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब इंटरेस्टेड हैं, किस पे कोई दबाव नहीं है, मतलब ये है कि समय का अभाव है। जी समय का अभाव, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र प्रकाश सर बताएं। जी सर, जय भीम सर, नमोदय सर। मेरा मानना है कि अज्ञानता अहंकार आलस्य तो सेवर है सर, इसके साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति में कमी है सर, और हमारे समाज के लोग दो नावों में पैर रखे हुए हैं सर, ये जो दो नावों में पैर रखना बहुत खतरनाक है सर, ना ये उधर के होते हैं ना इधर के होते हैं, और दृढ़ इच्छा शक्ति में तो बहुत बड़ी कमी है सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वजीर सिंह दहिया जी बताएं सर। वजीर सिंह दहिया जी सर अपना माइक खोलिए। वजीर सिंह दहिया जी, आलस्य अहंकार और अज्ञान, आलस्य अहंकार और अज्ञान, अज्ञानता। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रजनी रानी जी बताएं। बहन जी बताइए। जी सर, मेरी नजर में हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी नहीं है, हमें गौरव इतिहास का पता नहीं है जी, और जुड़ने के फायदों को नहीं जान पा रहे हैं लोग, उन्हें लगता है कि संविधान कैसे बदल सकता है और हमें जुड़ने की जरूरत नहीं, हमारे इतने सारे संगठन हैं, तो मेन कारण यही मुझे लग रहा है कि संगठनों में अभी भी लोग बटे हुए हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ठीक बहन जी, आपने कहा जो गौरवशाली इतिहास हमारा उसकी जानकारी नहीं है और फायदों की जानकारी नहीं है हमें जी, जुड़ने के फायदों की। ठीक है सर, ठीक है बहन जी। जी नमो बुद्धाय, थैंक यू वेरी मच। एडवोकेट रामचंद्रा जी गुजरात से बताएं सर। यस सर, जय भीम सर। सर दो चीज है सर, एक तो इंटेंसिटी की कमी है, इंटेंसिटी हमारे जो प्लेटफॉर्म चला है इसकी इंटेंसिटी कितनी है, दूसरा एग्रेसिवनेस की कमी है, हमें जुड़ने प्रॉब्लम नहीं, एग्रेसिवनेस और होना पड़ेगा काम करने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें एक तरह से मारक होना पड़ेगा जुड़ने के लिए और हमें इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तीव्रता बढ़ानी इंटेंसिटी, हाँ हमें इस प्लेटफॉर्म की इंटेंसिटी हमें नहीं समझ पा रहे कि लोग की इंटेंसिटी कितनी है इस प्लेटफॉर्म जो हमारा प्लेटफॉर्म चला। आप ये कहते हैं कि एग्रेसिवनेस का हमारे पास अभाव है, हम डल हैं और ऊपर से हम बिल्कुल इंटेंसिटी हमारी बहुत लो है। ठीक है सर। यस सर, यस सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। शिवलाल बड़ोदरा से गुजरात से बताएं सर। अपना माइक खोलिए सर, माइक खोलिए। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हम तो जुड़े हुए हैं, लेकिन हम अपने आप से जुड़ने के बाद प्रचार प्रसार हम खुद नहीं कर रहे, इसके लिए लोग जुड़ नहीं रहे, अगर प्रचार प्रसार हम करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, और सही ढंग से प्रचार प्रसार इसका करेंगे तो जुड़ेंगे ही लोग। इसका मतलब ये है कि हम काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके करना चाहिए उस तरीके का हम नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरा काम नहीं कर रहे हैं, हम पूरा काम नहीं कर रहे हैं सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बहन जी श्रीमती सत्सरवन जी बताएं। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय जी, बताएं बहन जी। वो क्या लोग तो अपना पिछला इतिहास तो बिल्कुल नहीं जानते,
अज्ञानता हो गई और हाँ बिल्कुल अज्ञानता हो गई और वो आज में जी रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ, आज हम डॉक्टर इंजीनियर हैं जिनके बच्चे बन गए में आ गए हैं, विलासिता में आ गए आज के हिसाब से, उन्हें जरूरत नहीं है। तो वो अब आगे के बारे में उनको पता ही नहीं कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, मतलब उनकी सोच नहीं है इतनी। हाँ इतनी सोच नहीं है, बस वो है सोच रहे हैं कि हमारे पास तो अभी सब कुछ है, आगे हमारे साथ क्या होगा ये उनके बारे में, मतलब आगे की सोच नहीं है, एक बात खत्म होगी ना। हाँ जी हाँ जी, आगे के खतरों की सोच नहीं है। धन्यवाद बहन जी। हाँ जी हाँ, विद्या बहुत सिरसा से बताएं, विद्या बहुत सिरसा से। हेलो जय भीम नमो, बताएं बहन जी। मैं बोलना चाहूंगी घटिया स्वार्थी लोग, घटिया स्तर की राजनीति करने वाले लोग हमें रोकते हैं जुड़ने से। इसमें एक स्वार्थी हो गया, एक दुष्ट हो गए, दुष्ट भी हो गए स्वार्थी भी, दो बातें हो गई, दुष्ट लोग और स्वार्थी लोग। हाँ जी हाँ जी, ठीक है बहन जी, ओके, जय भीम बधाई। स्पोक तिलक राज सिंह जी दिल्ली से, बताएं सर। जी सर, सर हम हमें है ना संग में कितनी शक्ति होती है उसकी हमें पहचान नहीं है, उसका हमें एहसास नहीं है कि मिलकर रहने में, इकट्ठे रहने में हम कितने ताकतवर बन सकते हैं, उसके उसकी हमें बिल्कुल भी मतलब एहसास नहीं है उसका, मतलब जुड़ने का फायदा नहीं पता हमको संग में, कितनी हाँ जुड़कर रहने में कितनी ताकत होती है उसका नहीं पता हमें, या उसका एहसास नहीं है, संग की ताकत का पता नहीं है। ठीक है सर। जी सर ठीक है। लाडू बहुत जी बताएं सर। लाडू सर नमो बुद्धाय। जय भीम बोलिए सर। सर फर्स्ट तो है अज्ञानता और दूसरा है हम किसके साथ में जुड़े, वो ईमानदार हो जैसे बाबा साहब जैसे। ईमानदारी कमी बोल दें। जी हाँ ईमानदारी की कमी। ठीक है सर। तीसरा है त्याग। सर त्याग नहीं है हमारे पास। तीसरा है त्याग नहीं है। जी हाँ त्याग की भावना नहीं है ना। जी सर ठीक है सर, ओके थैंक यू वेरी मच। इंजीनियर देवीलाल सर बताएं। भीम नमो बुधाय। सर सर एक हम अज्ञानता की वजह से नहीं जुड़े, दूसरा जो दूसरे सदनों में जैसे यहाँ पे बताया जाता है हर रोज कि 29 लाख हमारे संगठन है, वो उस कंफर्ट जोन में इतने आराम से बैठे कि वो छोड़ना नहीं चाह रहे, या दूसरे शब्दों में यह कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो ये बड़ी दिक्कत आ रही है। वो उन जिस संगठन में वो बैठे वो इजिली वो छोड़ नहीं पा रहे, ये कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे, हम उनको ये भी कमी, हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे हम। ठीक है सर, सर मुझे लग रहा है सर मैं बोल सकता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए डॉक्टर अशोक जी बोलिए। सर सर मैं मुझे ऐसे लग रहा है लोग तो हमारे साथ जुड़ रहे कन्विंस भी हो रहे, लेकिन वो एक ही पूछ रहे हमारा गोल क्या है, हमें गोल देना पड़ेगा, हमारा सेट करना पड़ेगा गोल, और हर किसी को वो साध्यता के तरफ ले जाना पड़ेगा। जब नहीं, तक हम नहीं कर पाएंगे समर संघ में लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं या वो गोल नहीं पूछ रहे, ये नहीं, हम ऑल ओवर जो इंडिया के अंदर जो लोग हैं पहले से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इतने सारे इतना 70 साल का टाइम हो गया, उनके कारण पूछ रहे हैं ये जो नहीं, वो कारण तो आ गया सर। देखिए हर कोई अपने आप में रिजर्व माइंड रख रहा है, वो सोचता नहीं, ऐसा है कि जो ऐसा 70 साल में जिन लोगों ने काम किया है, जो 29 लाख संगठन है उन्होंने तो उद्देश्य दिए हैं, और जो उन्होंने सारे उद्देश्य दिए हैं, और किस ओर गए इसके अलावा कोई उद्देश्य है नहीं। देखिए ना हमारे जितने भी नेता लोग हैं किस ओर जा रहे हैं, हमें उनके तरफ न देखते हुए हमें अपने लोगों अभी हम समर संघ की बात नहीं कर रहे सर, अभी तो हम उस बात को निकाल रहे हैं जो हमारे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या फेस कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं अभी तो हम। तो आपने जैसे बताया कि जो ऑब्जेक्ट वाली बात है, इस ऑब्जेक्ट वाली बात पे तो हम क्लियर कई बार बता चुके हैं कि जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे समर संघ में तो वो ऑब्जेक्ट खुद बनाएंगे, इसका तो एक ही आंसर है हमारे पास। हेलो मेरे हिसाब से तो सर हमारे पास समय नहीं है, देखिए 10 तारीख के बाद बहुत कुछ क्लियर होगा, 10 मार्च के बाद, ये तो मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ, 10 मार्च के बाद बहुत कुछ क्लियर होगा। ये दाढ़ी वाला बाबा एक आधे दिन रात को 12 बजे आके हमारे संविधान को फेंक देगा और मनुष्य लागू, उसमें बात बाद में करेंगे, आज तो भाषण का भी टाइम नहीं है सर, समय में
अभी बहुत नहीं बचाना है, संविधान बचा तो आप हम सब बचेंगे, हमारे बच्चे बचेंगे, राम हमारे तो दिन चलेंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू। आई पर्सनली फील दैट। अरे आज भाषण आपका सारी बात हो जाएगी, उसके बाद आपके विचार ले लेंगे। अभी थोड़े से हैंड रेज ज्यादा है, उनका ले लेते हैं सर। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, मुझे इंटरप्शन करने राम देने के लिए थैंक यू। रामचरित्रा जी जयसवार, रामचरित्रा जी जयसवार सर बताए। जयसवाल सर बताएं। आवाज नहीं आ रही आपकी सर, आप अपना ये निकाल दीजिए जो माइक है, फोन से सीधे बोलिए, फोन से हटा दीजिए, फोन से लीड निकालिए फोन से। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही? आ रही बोलिए। सर मुझे जहां तक समझ में आया, अगर आप ये समरसंग की बात कर रहे हैं, समरसंग में क्यों नहीं ज्वाइन होते हैं? नहीं, समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसकी बात कर रहे हैं कि 70 साल में जो सारे लोग हैं वो जुड़े क्यों नहीं हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, समर्थन की बात नहीं है तो उसके सारे, उसके सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारण हैं सर। जो कारण बता चुके हैं लोग, उनमें से अगर कोई नया है तो बता दीजिए। उसमें है ना सर, ये तो हम ही लोग बहुत बटे हुए हैं, हम लोगों में जैसे बटे हुए, हम कोई बौद्ध है तो कोई हिंदू है तो कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। धर्म में बटे हुए हैं, बात खत्म हुई, आगे बताएं सर। और दूसरा सर ये कि जब तक प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमको फायदा नहीं दिखता है, क्या फायदा है और हमको क्या मिलने वाला है, ये जब तक हमको समझ नहीं आएगा तब तक हम अपना समय नहीं दे पाएंगे। मतलब अपने फायदे के लिए जब तक फायदे नहीं बताओगे जुड़ेंगे नहीं लोग। सिद्धार्थ कामले जी बताएं सर, आप लोगों ने निकला सक्सेसफुल कामले सर, सिद्धार्थ कामले सर, सिद्धार्थ कामले सर, एक मिनट सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मेरा माइक अनम्यूट करने में थोड़ा समय लग रहा था मुझे। नहीं, जुड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब एक तो संबंध संघ जुड़ने के लिए ना तो हमने आपने हमको न्योता भेजा था, ना हम आपके पास में कोई अर्जी लेके आए थे कि हमें जोड़ लीजिए, लेकिन हम आपके साथ में कनेक्ट हो गए हैं, तो ये सबसे पहली पॉजिटिव बात होनी चाहिए कि लोग जुड़ते नहीं है, ये सवाल ही हमारा गलत है। और रही बात दूसरी की, बाकी के लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं? नहीं, ये तो सवाल, वो तो सारे... हम सवाल ये नहीं कर रहे हैं कि लोग जुड़ते नहीं है, आप गलत सवाल समझते हैं। हम ये पूछ रहे हैं, जिद है हमारी जुड़ने की, जुड़ेंगे फिर जुड़ने में, जो अब तक 70 साल में है जो सारे लोग नहीं जुड़े हैं उसमें क्या दिक्कत आई, ये पूछा है हमने। क्या 70 साल में सारे लोग जुड़े, हमारा सवाल गलत है? नहीं, उन्होंने तो अपने अपने मठ बना लिए है, मठाधिपति बन गए हैं, और मठाधिपति बनने के बाद में वो अपने तक ही उसके फायदे सीमित रखना चाहते हैं, वो दूसरे लोगों को शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए वो इकट्ठे नहीं आएंगे। जब तक हम डंडे नहीं मारेंगे तब तक वो आप इकट्ठे नहीं होंगे। आपका कहने मतलब है कि जोड़ने वाले जो लोग हैं वो खुद गर्ज हो गए? यस सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। एनजी जीरो परम खोपे सर बताएं सर, परम खोपे सर। जी सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो दो कारण मानता हूँ, उससे जो सबसे महत्व का कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है, वो है हमारी कर्तव्य निष्ठता जो है, उसका अभाव है हमें। क्योंकि 70 सालों में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिली है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें राइट्स मिले हैं, लेकिन ये राइट्स के साथ हमें कुछ कर्तव्य भी है, वो कर्तव्य के प्रति हम जागरूक नहीं, इसलिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं। जी हम समाज जो हमारी ड्यूटी पूरी नहीं कर रही, इसलिए हम जुड़े नहीं है। और दूसरा जो है वो है असंवेदनशीलता। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में जुड़ने का क्या बेनिफिट है हमें पता नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम किसी और पर चर्चा नहीं कर रहे सर, हम किसी और पर बात नहीं कर रहे, हम तो एक एक करके पूछते जा रहे हैं। जैसे ना जुड़ने के आपने दो कारण बताए, कि हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, और एक हमें असंवेदनशीलता है। हम हाँ जी तो यह संवेदनशीलता जो है, तो उसका मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें लॉसेस पता है फिर भी हम नहीं जुड़ते। नहीं सर, बात सिर्फ दो आपने चीजें बता दी, कोई तीसरी हो तो बताइए। नहीं, और कैसे पे चर्चा बाद में करेंगे सर। जी थैंक यू ओके सर, थैंक यू। रतिलाल देसाई सर, आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है सर, बताएं सर।
माइक खोलिए सर, माइक खोलिए माइक सर, बोलिए सर। हम लोग आई मोड से बी मोड में नहीं आ रहे हैं। अच्छा आई टू बी नहीं हो रहे, आई से बी में नहीं कन्वर्ट हो रहे। दूसरी बात कि जो ध्येय है हमारा उसके प्रति समर्पण भावना कर्मठता की कमी है और हमारे लोगों में स्वार्थ भावना ज्यादा है, ये भी एक कारण है। मतलब उद्देश्य के प्रति सारी कमी है, ना समर्पण है, ना क्या बोलते कर्तव्य निष्ठा है, और ना ही हम क्या बोलते उसके लिए समर्पण है, भी नहीं है। ठीक ठीक, उद्देश्य के प्रति हम सीरियस नहीं है। अच्छा, इसमें जितने भी बातें आ रही हैं, एक बात बड़ी कॉमन है कि जितने भी लोग कह रहे हैं कमियां सब हमारी ही हैं, कोई दूसरा नहीं रोक रहा है हमको, ये ध्यान रखना। सारे के सारे यहाँ जो 255 लोग बैठे हैं, अब तक जितनी भी बात निकल के आई है सब में यही आई है कि जुड़ने में कमी हमारी ही है, सारी की सारी, जो किसी दूसरे की नहीं है। यानी कि जिसको दुश्मन और शत्रु शत्रु करके बोला जाता है या जिसको षड्यंत्र बोला जाता है वो नहीं है कहीं भी, अभी तक ये बात निकल के आई है। चलिए सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रणवीर सिंह टॉक, रणवीर सिंह टांग सर बताएं सर। सर मैं भी बताना चाहता था कुछ। हाँ सर, आपने हैंड रेज नहीं किया। नहीं सर। अरे आप तो नियम तोड़ रहे हो, ये नियम तोड़ा भी एक उसमें आता है जुड़ने। बोलिए सर, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं सर कर नहीं पा रहा था इसको। मैं समझ गया आपकी बात, बोलिए सर, बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप सर? अशिक्षा और अहंकार। अशिक्षा और अहंकार। अशिक्षा, अशिक्षा कौन सी है, किताब वाली या ये जानकारी वाली? हाँ हाँ, कौन सी अशिक्षा है, किताबी ज्ञान वाली, अक्षर ज्ञान वाली है या जो समझदारी वाली, कौन सी अशिक्षा है? समझदारी ज्ञान वाली। ज्ञान वाली यानी अज्ञानता वाले बात होगी ना, अज्ञान है हम लोग और अहंकार। ठीक 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 है सर, थैंक यू वेरी मच। रणवीर सिंह टांग जी बताएं सर, अपना माइक खोलिए। रणवीर सिंह टांग सर अपना माइक खोलिए, बोलिए सर, बोलिए सर, आपका माइक खुला था फिर बंद हो गया, दोबारा खोलिए। दोबारा खोलिए सर, कोई बात नहीं, जब आपका माइक खुले तो आप आ जाना। अच्छा खुल गया, बोलिए सर, बोलिए। रणवीर सिंह टांग जी बोलिए, आपका ऑडियो टेस्ट नहीं हो रहा है, नेट की प्रॉब्लम लग रही है सर। प्रेम सिंह चौधरी सर बोलिए, आप बोलिए। सर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का अहम टकरा रहा है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने मंच पे बैठे हैं जी। और मालाएं पहनी है, यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, एक कारण ये है। दूसरा कारण यहाँ प्रेम सिंह चौधरी सर, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे कि यहाँ क्यों नहीं जुड़ रहे, यहाँ तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ तो संख्या जब हम अगले दिन चेक करते हैं तो 700 800 900 होती है, आने जाने वालों की संख्या मिला के 900 800 हो जाती है, कई बार तो 1100 1200 1500 हो जाती है, और कई बार 1700 पहुंच जाती है। यहाँ तो दरअसल हमारी कमी है, क्योंकि हमारे पास में मेन पावर कम है, जुड़ तो बहुत लोग रहे, हम इतने फोन आ कम से कम 10,000 तो कांटेक्ट आ चुके हैं अब तक, उन तक फोन करने की दिक्कत आ रही है। हम ये कह रहे हैं 70 साल में जो लोग हैं वो नहीं जुड़ पाए, उसकी दिक्कत कहाँ है, कौन रोक रहा है हमें जुड़ने से? सर समाज के प्रति समर्पण की भावना हमारे अंदर से गायब हो चुकी है, यानी कि समर्पण नहीं है, आपकी गायब हो चुकी है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ नूतन बहन जी बताएं, बहन जी आप बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं तो जुड़ी हुई सर, अंदर से दिल से भावना निर्माण होती है, समर्पण भावना, इसीलिए मुझे लगता है लोगों में धम्माचरण की कमी है और पुराने जो हमारे संस्कार है अभी तक छोड़ना नहीं चाहते, और कास्टिज्म मुझे लगता है जब मैं जोड़ना चाहती हूँ तो कास्टिज्म बीच में आता है, वो उनका ही अहम है, उनको वो नहीं छोड़ना चाहते, तो पुराने संस्कार एक गुलामगिरी की भावना है अंदर अभी भी, बस ये 2-3 पॉइंट मेन है सर मुझे। पुराने संस्कार और धम्म में आचरण नहीं है, दो बातें बताइए आपने। हाँ, शीलवान नहीं है एक्चुअली, हम शीलाचरण ऊपर से तो कहते हैं, एक्चुअली नहीं होता। हाँ, मतलब दो बातें बताई आपने, एक तो क्या बोलते हैं धम्म में आचरण कमी है, और दूसरा क्या पुराने संस्कार नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। ठीक है बहन जी। रणवीर सिंह टांग जी आपका खुला गया माइक, गोपाल बोस सर बताए आप। गोपाल बोस सर, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, बोलिए सर।
सर मेन कारण यही है कि हम लोगों में नशा है, पैसे का, नौकरी का, अच्छे मकान का, अच्छे शोहरत का, ये नशा जब तक रहेगा नहीं जुड़ पाएंगे। किसका? मकान का, पैसे का, और पैसे का, ताकत का, हर चीज का, जो नौकरी का, दौलत का, नौकरी का, इसका नशा है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हीरा सिंह जी प्लीज बताएं, आप बताएं सर, अपना माइक खोलिए सर, बोलिए। सर मेरे विचार से सर ना जुड़ने के कारण पहला कारण है इतिहास के अभाव में अज्ञानता होगी सर, इतिहास के अभाव में मनवादी धर्म की मानसिक गुलामी। चलिए ठीक है, एक तो हो गई जो पुराने संस्कार है उनके गुलाम है, मानसिक गुलामता हो गई जी। नंबर दो है अभी भी हम लोगों में जो है मनवादियों की प्रतिक्रिया का भय जो है लोगों में है, डर है, डर डर जो अभी बताया था वो डर है मनुवादी की। मैं तो जुड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों से, मैं रोज सुनता हूँ आपको। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रेमचंदा सर बताएं, आप बताएं। हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही है सर, आ रही है, बताएं। जय भीम नमो बुद्धाय। सर हमारे तो विचार से है, पहली बात तो सामाजिक टसन की कमी, सामाजिक टसन, और दूसरी जो है समाज के प्रति सामाजिक टसन की कमी। सर वो थोड़ा समझाओ, ये तो नया समाज के प्रति जो टसन होता है, हाँ, जो समाज क्या होता है, टसन जो समाज के प्रति दर्द होना चाहिए उसकी कमी, टसन। अच्छा, दर्द टसन की कमी, दूसरा हाँ सामाजिक ईमानदारी की कमी, और तीसरा व्यक्तिगत स्वार्थ, स्वार्थ हो गया, सामाजिक दर्द कमी और समाज के दर्द की कमी, तीन स्वार्थ, स्वार्थ। ठीक है सर, ओके, हमारे विचार से यही। डॉक्टर सुनील दही वाले जी, और सर एक सर और, जाति भेद, जो जाति भेद है वो बहुजन को जुड़ने नहीं देता, जाति भेद। वो दरअसल क्या है कि जो पहले से सबने बता दी है वो तो रिपीट ही हो रही है, ये जो नई नई बातें हैं उनका पता चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ डॉक्टर सुनील दही वाले जी पुणे से बताएं सर। ये जब तक आप पावर में नहीं आते हैं तब तक वो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, इसका मतलब ये है कि राजा बनने की कमी है। यस, राजा बनने की कमी, जिसके हाथ में पावर है चाहे वो कोई भी हो तो उसके वो तलवे चाटने को भी तैयार है। ठीक है, राजा ने होना, कमी ने होना, यानी पॉलिटिकल पावर नहीं है, और वो लोग क्विक रिजल्ट चाहते हैं, क्विक रिजल्ट। हाँ, यदि आप में से कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है आज तो इमीडिएटली आपके साथ जुड़ जाएंगे लोग। जी सर, तो ये पहले अंडा पहले मुर्गी इस टाइप की कहानी हो जाती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ, दो पॉइंट आपने बताए हैं, एक तो पावर राजा ने होना और एक क्विक रिजल्ट मांग रहे हैं, क्विक रिजल्ट, और दूसरा जो जो सेल्फिशनेस है वो तो सब लोगों ने, हाँ वो सब लोगों ने बता दिया है, और लोगों में करप्शन की भावना है, करप्ट है, मतलब जो किसी ने अभी पहले बताया था ना धम्माचरण नहीं करते है, तो दे आर ऑल करप्ट इन ऑलवेज। ठीक ठीक सर, तो ये ऐसे तीन चार पॉइंट्स है, और दूसरा और एक है डेडिकेटेड लीडरशिप। अच्छा लीडरशिप नहीं है, डेडिकेटेड लीडरशिप, यदि कोई दिखा देता है कि हम एकदम बाबा साहब के जैसे ही है तो सब छोड़ के वो आपके पीछे आने के तैयार है, मतलब व्यक्ति व्यक्ति चाहिए, एक तगड़ा व्यक्ति चाहिए। यस यस, ऐसा ऐसा ऐसी प्रतिभाशाली या ऐसा इंटेलिजेंट या नॉलेजेबल कि जिसको सब कुछ समर्पित करने को लोग तैयार है ऐसा आने के लिए। वो तो क्या लो, डॉक्टर सुनील दही वाले सर 40 साल में एक बंदा बनता है, अब वो 40 साल तक इंतजार करना। हाँ, तो इसलिए तो ऑर्गेनाइजेशन बन नहीं रहे है, बिल्कुल वो बनने के बजाय टूटते जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन बनते है लेकिन वो टूटने का जो प्रमाण है वो ज्यादा है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू मुझे सांस देने के लिए। विजेंद्र सिंह सूरज से बताएं सर। सर सुधीर सर मुझे बोलना है। हाँ बहन जी, मैं पहले, आप बोल दीजिए बहन जी, बोलिए बहन जी। दुर्गे मैडम, जय भीम। हाँ जय भीम, जय भीम, बोलिए बोलिए बहन जी, बोलिए।
हाँ सर, ऐसा है हमको बाबा साहब ने इजीली मिला ना, बाबा साहब की वजह से। यदि बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते ना, तो इजीली मिल गया लोगों को। तो अभी सब पैसा प्रॉपर्टी सब आ गई और धम्म के तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो एक जनों ने बताया कि धम्माचरण तो धम्म हमें आया ही नहीं, बुद्ध का धम्म, इसलिए वो लोग जुड़ नहीं रहे। यदि धम्म का हाँ धम्म संस्कार नहीं है, धम्म संस्कार ही नहीं है, इसलिए लोग जुड़ नहीं रहे। और संगठन से विश्वास उठ गया, क्योंकि जो वो संगठन अपना बनाता, इसलिए वो लोगों का विश्वास उठ गया। मैं तो जुड़ी हूँ, चार पांच महीने से मैं तो जुड़ी हूँ। नहीं नहीं, जो यहाँ जुड़े हैं उनसे सवाल नहीं है, सवाल ये है कि 70 साल में लोग क्यों नहीं जुड़े, उसका कारण खोज रहे हैं आज, ताकि हम अपनी जो चीज है उनको और अच्छी तरह से विचार को और जो जानकारी उसको पूरा कर लें, और श्रवण संघ में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक कर लें। उसके लिए आज आप सबको क्या बोलते, जो समस्या बताने के लिए कि भाई क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति में जुड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति को परेशानी होती है, और इतने सालों से हम जुड़ने जुड़ने के लिए बात कर रहे हैं, मगर 70 साल से लोग एक साथ क्यों नहीं जुड़े, उसका कारण खोजने के लिए आज हम बात कर रहे हैं। तो कारण तो वही है ना सर, कि जो अपना गुट बनाता है अलग से, और वो अपना पैसा, पैसे का करप्शन, जैसे दहीवाली साहब ने बताया, जो वो डोनेशन मांगता है करप्शन करता है, ये कार्यक्रम करना है इसको पैसे देना है उसको, तो लोग अभी पैसे भी नहीं देते कोई भी कार्यक्रम में। ठीक है, चंदे का और पैसे का करप्शन हो गया आपकी तरफ से, ठीक है। हाँ, मैंने तो बामसेप में काम की हूँ सर, मैं कांशीराम जी से, कांशीराम जी के साथ में काम की हूँ मैं। ठीक है, जय भीम। विजेंद्र सिंह सूरत से बताएं सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। बोलिए सर। व्यक्तिगत तौर से तो कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन हमारे लोगों में नासमझी का कारण बहुत ज्यादा है, कि जो लोग मिशन को भी जानते हैं, बाबा साहब को भी जानते हैं, फिर भी उस मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है नासमझी का ही और अज्ञानता का कारण है। अज्ञानता बाद में आती है, नासमझी है। जैसे जो लोग जानते हैं फिर भी स्वार्थवश दूसरे संगठनों में जा रहे हैं, या उनको ये नहीं मालूम है, आने वाले की तरफ से जो नासमझी, उसको मूर्ख बोलते हैं, मूर्खता, मूर्ख हैं, छोड़ दे जरूर। नहीं नहीं, मूर्ख वाली बात नहीं है सर। आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, अज्ञानता और नासमझी, दोनों ही शब्द एक ही मतलब है। नासमझ का भी मतलब इग्नोरेंस होता है और अज्ञानता का भी इग्नोरेंस होता है, तो तीसरा हमारे पास मूर्ख बचा है। अब अज्ञानता करें या मूर्खता करें, क्या करें? नहीं, ना समझी ये है कि वो निष्ठावान नहीं है, जो जानते हैं, जैसे मैं हूँ, जानता हूँ, फिर भी मैं निष्ठावान नहीं हूँ, तो ये ना समझी है, उनको ये नहीं मालूम है कि हमारा ना समझ है, अज्ञान है, निष्ठावान भी नहीं है। ठीक है सर, और 20 रुपए की हम लामा जी 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 जी। ठीक है, गुलशन सर बताएं। गुलशन सर, सर जय भीम, सर सर बोलिए सर। जय भीम, नौ बुधा जी, बोलिए सर, बोलिए सर। जहां तक मुझे लगता है ना, जिस बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, और आज पहले फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ, कि हमारे ना जुड़ने का कारण, जहां तक मुझे लगता है ना सर, हमने अभी तक रोटी और बेटी का जो व्यवहार जो है ना, वो साझा करना स्वीकार नहीं किया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम रोटी बेटी का व्यवहार, हमको जो रोक रहा है वो हमने जो रोटी बेटी का व्यवहार नहीं किया, उसकी वजह से रुके पड़े हम। बिल्कुल सर, अगर हम आज कर दे तो आज जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं इस ग्रुप में इतने बंदे हैं, अगर मैं बोलूं कि मुझे अपने लड़के के लिए एक रिश्ता चाहिए, या वो किसी को ले, वो लड़की नहीं देगा अपनी, उनका जो अहम है, जो बटे हुए हैं, वो पहले से जो नहीं, आप इस ग्रुप की बात, इस ग्रुप की बात मत कीजिए, क्योंकि आपने ऊपर बात कही है कि रोटी बेटी का रिश्ता ना होना, वहीं तक रहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये जब स्टार्ट, जब 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 हम स्टार्ट कर देंगे, तभी हम जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आपकी तरफ से रोटी बेटी का व्यवहार नहीं हो रहा, इसलिए हम फेल हो रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, उमराव लाल वर्मा जी बताएं सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, बताएं सर। सर मैं तो जुड़ा हुआ हूं और कोई रोकता नहीं है। ये जो आपने 70 साल की बात कही है कि 70 साल में लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, मच्छर डाल का सबसे मोटा कारण था कि हमारा कोई संचालक, सर संचालक नहीं था, और हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म कर दी थी। तो हमारे इसका, जैसे बाबा साहब के बाद कोई सर संचालक होता तो हम जुड़े रहते। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि सर देखो, सर संचालक तो होता है एक व्यक्ति के पीछे, और एक होता है संघ चालक, जो मतलब संघ हमें चलाए, तो संघ नहीं, हाँ, संघ नहीं था, नहीं।
अभी जो ही संघ बना तो देखो जुड़ना चालू हो गया ना, संघ का नया नया होना, ठीक है सर, संघ का नहीं होना, ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। हाँ, ओम माधव एस जामुले सर बताएं। प्रॉपर बाबा साहब जैसी कोई लीडरशिप नहीं। अच्छा, व्यक्ति जैसी को, मगर बाबा साहब ने तो व्यक्ति की लीडरशिप के मना किया था। नहीं, लीडरशिप का अभाव, प्रॉपर लीडरशिप का अभाव, बाबा साहेब जैसी लीडरशिप का अभाव। तो जामलु सर अभी 40-50 साल तक तो कोई आएगी नहीं ऐसी लीडरशिप जी। एक बाबा साहब को बनने में 40-50 साल लगते हैं, तो 40-50 साल में आ जाएंगे और हाँ, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सुनील कुमार मेहरा सर बताएं। सुनील कुमार मेहरा सर बोलिए सर। संघ की लीडरशिप मेहरा सर बोलिए सर, बोलिए। जय भीम नमोदय सर। जय भीम नमोदय, बताएं सर। सर मुख्य कारण ये रहा कि हमारा समाज बहुत सदियों से अज्ञानता में रहा। एक तो अज्ञानता हो गया और एकदम चकाचौंध आ गई थी, सबको अपने अपने पड़ गई थी। एक स्वार्थ हो गया और दूसरा ये जी जो लीडरशिप है, एक लीडरशिप का अभाव हो गया और बाकी तो जी यही कहेंगे, बाकी जो लोगों ने बताया वो भी ठीक है ना। हाँ जी, और दूसरा सर बात और। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, एक मित्र है राजेश कुमार परवाड़ा से, वो बात नहीं दूँ। वो भी कुछ बताना चाहते हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। आप बुला लीजिए, इंट्रोड्यूस कराइए, क्योंकि इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है नए आदमी का, ये काम तो हम बाद में भी कर लेंगे। इंट्रोड्यूस कराइए सर उनको। राजेश कुमार जी। जय भीम जी। राजेश जी अपना परिचय दीजिए सर। सर मैं राजेश ढाणी प्रेम नगर बरवाड़ा हिसार हिसार से हूं जी। राजेश बरवड़ हिसार में तो परिवार सर लगे हुए हैं, परिवार सर हर संडे को मीटिंग करते हैं। नहीं, बरवाड़ा से, बरवाड़ा में, मतलब इस बरवाड़ा से हूं जी मैं। ओके 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 सर, ओके, चलो बने रहिए। आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, मैं तो साथियों ने, मतलब अपने डॉक्टर पीवी सिंह है और मेहरा साहब है, इन्होंने बताया समण संघ में जुड़ो। अपना फोन नंबर बोल दीजिए, फोन नंबर लिखेंगे योगेंद्र सर। 94660। बोलिए जी, बोलो। 660 के बाद में 90061। 90061। हाँ जी, इस फोन पे लिख रखा है, ये किसका है? ये किसका आ रहा है? 802-88-95। ये पर्सनल नंबर नहीं जी मेरा। अच्छा, वो पर्सनल है। जुड़े रहिए आप, और क्या बोलते हैं, औरों को भी जोड़िए। आज दरअसल क्या है कि थोड़ा सा इसका हमने कंसेप्ट का चेंज किया है, क्योंकि कंसेप्ट के अलावा कंसेप्ट भी देते जा रहे हैं, तो ये भी पूछें कि भाई क्या क्या कमियां हैं, उसके लिए आज बात चली है। इसमें भाग लीजिए और बताइए, ठीक है सर? सर अच्छा लगा, औरों को भी जोड़ेंगे, हम भी जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जितेंद्र कुमार सर बताएं मेरठ से। जय भीम नमोबुद्धाय सर। जी सर, जी सर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि सर जहां तक जुड़ने का सवाल है, 70 साल में लोग अपने अपने समूहों में जुड़ रहे हैं, कोई सामाजिक क्षेत्र में, कोई आर्थिक क्षेत्र में, कोई राजनीतिक क्षेत्र में, कोई धर्म के क्षेत्र में, जुड़ने की प्रक्रिया जारी है। और हमें सभी क्षेत्रों का सम्मान करना चाहिए। समस्या हमारी ये है कि एक यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल फॉर्मेट हमको तैयार करना चाहिए, जिससे कि सब लोग, सभी समूह के लोग एक साथ जुड़े। और उसका एक कारण हो सकता है कि लोग एक दूसरे की लीडरशिप एक्सेप्ट ना करें, ना कर पाना, और एक दूसरे के साथ इंटीमेट ना हो पाना, एक दूसरे की फीलिंग को ना समझना, उस फॉर्मेट में ना ला पाना, ये एक ऐसा कारण हो सकता है। आप, हम ये नहीं कह सकते कि लोग नहीं जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपने फॉर्मेट में जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। नहीं जुड़ते तो आज हमारी पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, मतलब ये है कि जो 32 लाख संगठन है उनके लीडर एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लीडर कम से कम एक फॉर्मेट पे आके इकट्ठे होने की प्रक्रिया जारी।
सर ये इसी समस्या से तो सब सारे परेशान है कि 29 लाख संगठन अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते तो संघ बन जाता, तो आपको हमें यहाँ हम तो गाने सुनने होते, आप भी गाने सुनने होते, लता मंगेशकर कुछ ना कुछ कर जो कुछ कर रहे हैं हम उनका सबका सम्मान करते हैं, जो कुछ हम नहीं तो सबका कर सम्मान करते हैं सर, मगर वो लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं सर, हम तो कर रहे हैं, हमने तो पूरा सम्मान किया, हम तो पैसा भी देते हैं, खड़े हो जाते हैं, जाते भी है, पर उन्होंने हमारी बात मानी, उन्होंने कहा कि सारे इकट्ठे हो जाओ, वो इस बात को तवज्जो नहीं दे रहे। भाई 400-500 हजार 1500 2000 लोग हम इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मेरा निवेदन यह है कि जो हमारे शीर्ष लोग हैं 10-15-20 लोग हैं, वो जरूर ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करें, कम से कम सब लोगों से। इसमें इसमें जितेंद्र सर इसमें सारे शीर्ष हैं, इसमें जो काम करता है वो शीर्ष बन जाता है, और जो काम नहीं करता वो नीचे जाता है। 10 लोग यानी डिप्यूट कर दो, ठीक है, नॉमिनेट कर दो। आप एक काम करें सर, उन 10 में से एक तो आप हो गए, 9 अब मैं हूँ, मैं तो करता रहता हूँ सर, 9 अब आप करने में बहुत दिनों बाद जुड़ रहा हूँ किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन मैं आपको सुनता हूँ, आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपको दिल से सम्मान करता हूँ। एक अच्छा समूह हमारा इस फॉर्मेट में काम कर रहा है और एक काम बहुत तेज चल रहा है सर, इसमें कोई शक नहीं है। आज आज तो दरअसल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सभी जितने भी हमारे बहुत अच्छा है, ये जरूरी है सर से बता दी आज सब मेन चीज है। हमको इस तरह के आप ये क्वेश्चन आंसर जरूर करने चाहिए, जब तक हम अपने फॉर्मेट को लुक्रेटिव नहीं बनाएंगे तब तक लोग हमसे आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, जाते रहेंगे। नहीं जा नहीं रहे सर, आज आज बहुत दिनों बाद आए हो, यहाँ तो बहुत सारे लोग रुके हैं, दिल्ली में मीटिंग होने वाली है जिसमें 1000 स्पोक आने वाले हैं। राइट राइट, मैं मानता हूँ आपको पता नहीं है काम कितना फैल गया है, आपके आसपास ही आपके आसपास 4 मीटिंग है इसमें मार्च के अंदर। जी जी जी, आप मेरठ में मीटिंग करा सकते हैं तो बताइए। योगेंद्र सर करो बात, योगेंद्र जी बात करें। जी बोलिए सर। हाँ जी, जितेंद्र जी का एक समूह है, जितेंद्र जी क्या बोलते हैं, जो हमने जो व्यापार वाला काम है उसको देखते हैं, उनसे संबंध करके मेरठ में अगर मीटिंग हो जाए तो बात कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आई के नरेंद्र जी सर, मैं एक या दो दिन में आपसे मिलता हूँ मेरठ सर। बिल्कुल मिलिए सर, आपका स्वागत है। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू सर, नमस्कार। स्पोक थान सिंह अमरोहा से, बताए सर। बताएं सर, बताएं जी। मैं कह रहा हूँ जी सर, ये हमारे लोग 70 साल से आज तक वर्तमान में जी रहे हैं। वर्तमान में जी रहे हैं जी। जी सर, वर्तमान में भविष्य का हमें ज्ञान नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है, सोसाइटी में काम करना हम चाहते नहीं, इसलिए हम जुड़ नहीं पाते। क्या लिख दूं आपकी तरफ से कि भविष्य का पता नहीं जी, भविष्य की चिंता ही ना हमें, अभी अभी वर्तमान में जी रहे हैं ना हम, यानी मस्त हैं, मस्त एकदम। भविष्य की चिंता होती तो हम बहुत पहले जुड़ जाते, मतलब आप कहने मतलब ये बेफिक्र होके चल रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं है उनको। जी जी, चिंता नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है, बेफिक्र सोसाइटी पे काम करना चाहते नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। ओके सर, थैंक यू, क्योंकि भविष्य की जिनको चिंता होती है उसे भी इकट्ठे हो जाते हैं, काम करते हैं। जी अतीत का ज्ञान भी नहीं है, हमारे महापुरुषों ने हमें क्या दिया उनका हमें ज्ञान ही नहीं है, उससे कुछ प्रेरणा मिलती तो हम आगे बढ़ते, अतीत का भी ज्ञान नहीं है हमें, ना आगे का पता ना पीछे का पता है, बस ऐसे चले जा रहे हैं, मस्त हो गए। ठीक सर, ओके थैंक यू वेरी मच। प्रहलाद सिंह जी, प्रहलाद सर बताएं। जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, बताएं सर। सर आपके विचार रोजाना हम सुनते हैं, और आपने आज जो प्रश्न किया है उसके बारे में मैंने ये सोचा है कि जिनको हमने पॉलिटिकल सत्ता संभलाई है वो सत्ता सुख भोग रहे हैं, वो समाज के प्रति समर्पित नहीं है, और जिन पार्टियों के माध्यम से चुनके जाते हैं वो उनके एजेंट का रूप काम कर रहे हैं, वो हमारे समाज के बारे में कुछ नहीं समझ रहे हैं, ये कारण है। क्या कहेंगे आपका तैयारी के लिए का? जी, पॉलिटिकल जो अलग अलग पार्टियों में जो हम चुन के भेज रहे हैं वो उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, वो समाज के प्रति समर्पित नहीं है, बाबा साहब ने जैसे कहा वैसे नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इकट्ठे नहीं हो पाए 70 साल से, इसीलिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों में एजेंट। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ये बारिश से पहले ही डाल दिए थे, क्यों पहले ढल गए थे वो? V2037 से कौन है? V2037 V2037 से कौन है? हैंड रेज है, इनका नाम नहीं आ रहा है, या तो अपना वीडियो खोले।
नीरू सांगवान जी, नीरू सांगवान, हाँ बहन जी आइए। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जी बहन जी। हाँ जी सर, आपका सवाल था कि मतलब हम लोग अभी मतलब क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। सवाल ये है हमारा कि 70 साल से जुड़ने और जोड़ने से हमको रोक कौन रहा है। जी बिल्कुल सर, ये मतलब मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर कहना चाहती हूँ। मैं डाबड़ी में यहाँ दिल्ली में टीचर हूँ और प्राइमरी लेवल पर है सर हम लोग। जी जी सर, तो मतलब मेरे हिसाब से हमारे समाज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो पढ़ा लिखा या फिर थोड़ा चेतन है इन सब जो बाबा साहब के विचारों के मामले में। लेकिन जब मैं अपने परिवेश में देखती हूँ जहाँ मैं काम करती हूँ, वहां जो हमारे समाज के लोग आते हैं उनको सिर्फ अपने डेली रूटीन में रोटी पानी जुटाने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो हमें अगर मतलब ऊपर के पायदान पर जाना है तो मुझे लगता है कि पहली सीढ़ी से शुरू करना होगा। जो बिल्कुल नीचे के लोग हैं, नीचे के तबके के लोग हैं बिल्कुल, जो बेचारे अपनी रोजी रोटी में ही जुड़े रहते हैं, उनको भी अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो जब हम वहां से शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहेंगी कि लोगों को पता नहीं है कि जुड़ना भी होता है। यस सर, साक्षरता का अनुभव अभाव है वहां पर। नहीं, मतलब साक्षरता, लोगों को साक्षरता अलग चीज है, ज्ञान अलग है, और ये जानकारी लोगों को ये जानकारी नहीं है कि उनको जुड़ना भी है। यस सर, वो अपने मतलब छोटे छोटे जो थोड़े बहुत छोटे से भी लालच के चक्कर में कि भी अगर हम यहाँ जाएं। एक शब्द में बताओ कि आप क्या कहना चाहते हो। आपने यहाँ ना दरअसल स्पीच नहीं चलेगी, आप ये बताओ कि उनको छोटे लालच है, स्वार्थ है, या उनको पता ही नहीं जुड़ना है, क्या करना चाहते हो। स्वार्थों में जो वो उलझ कर रह जाते हैं, अज्ञानता और साक्षरता के अभाव में वो लोग हमारे समाज के लोग जो है बाबा जानता है स्वार्थ में लिपते हैं, इसलिए नहीं उनको समझ है कि उनको जुड़ना चाहिए। जी बिल्कुल सर, अवेयरनेस की कमी है सर वहाँ पर। ओके बहन जी, ओके ओके जी, थैंक यू। जागरूकता की कमी। हंस राज बहुत सिरसा से बताएं सर। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा ये कहना है कि मेरी समय की स्वार्थीपन और मेरा अहंकार मुझे सुधीर राज जी से जुड़ने से मना करता है, समझ गए। नहीं मगर आप एक बात बताओ कि अगर आप सुधीर राज से जुड़ोगे तो फिर 29 लाख संतों से जुड़ने में क्या 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 घाटा है। नहीं नहीं, मेरा स्वार्थ और मेरा अहंकार आपसे नहीं जुड़ने दे रहा। नहीं तो ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ना जुड़े, ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। आप ये कह रहे हो कि मेरा अहंकार और मेरी ज्ञानता, सुधीर राज एक तो व्यक्ति है, अगर उससे उससे अगर कोई जुड़ेगा तो उससे तो नुकसान ही होगा, उससे तो कोई फायदा होगा नहीं। यही तो हमारी समस्या है कि हम एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, अहंकारवश और स्वार्थवश, बस यही एक कारण है। मैंने बहुत से लोगों को प्रयास किया जोड़ने का तैसा के अंदर, परंतु लोगों के अंदर एक ही समस्या है कि मैं तुम्हारे कहने से मैं क्यों जुड़ू, मतलब अहंकार हो गया ना, अहंकार और स्वार्थ। अहंकार और स्वार्थ, ठीक है सर, ठीक है जी। ये अहंकार सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है बाहर। मथुरा प्रसाद भारती सर बताएं। मथुरा प्रसाद भारती सर अपना माइक खोलें। मथुरा प्रसाद भारती सर अपना माइक खोलिए। जय भीम, नव उद्धार सर। बोलिए सर, बोलिए सर। मेरे हिसाब से जो है ये आपका 70 साल से क्यों हम पीछे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन नहीं, हमें जोड़ने से रोक कौन रहा है, सवाल ये है। रोक रहा है सर हमारा जो इतिहास है उसके बारे में सही जानकारी नहीं होना, अज्ञानता रोक रही है, होने वाला अज्ञानता, अज्ञानता और जी जी सर, और भविष्य में क्या होने वाला है इसकी भी चिंता, भविष्य का विजन नहीं है। जी जी, भविष्य की राइट विजन ना होना ही सबसे बड़ा दृष्टा नहीं है भाई, इसीलिए कहो भविष्य दृष्टा नहीं, भविष्य दृष्टा नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर। गुरुचरण सिंह बताएं सर। गुरुचरण सिंह वो नंबर गुरुचरण सिंह, राजेंद्र गायकवाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट सर बताएं। हाँ सर, बहुत धन्यवाद। और विषय वस्तु बदल दी है, इसके लिए भी साधुवाद। मैं जो जानना मानना चाह
ये संघर्ष कर रही थी। नहीं सर, हमें ये उसके बाद हमें रोक कौन रहा है? हाँ मैं वही आ रहा हूँ, एक सेकंड और लूंगा। 1975 से लेकर सन 2000 तक हम लोग सेकंड पीढ़ी में जब लोग आए तो हम लोग सत्ता के प्रति थोड़े लालायित हो गए और हम लोगों ने कोशिश की कि सत्ता मिलेगी तो हम लोग अब शक्तिशाली हो जाएंगे और जुड़ भी जाएंगे। लेकिन सन 2000 के बाद अभी जो नई जागृति आई है और नई पीढ़ी जो आई है जिसमें हम लोग शामिल हैं, तो हम लोगों में जितने भी जो कारण आपके साथ लोगों ने गिनवाए हैं वो सारे कारण जिम्मेवार हैं। और धीरे धीरे मैं बहुत आशावान हूं कि अब हमारा जुड़ाव बढ़ेगा। और अभी जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनकी नासमझी ही एक शब्द है और उसको लेके हम लोगों को काम करने की जरूरत है। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। विप्लव कुमार विश्वास जी बताएं। विप्लव कुमार विश्वास जी, विप्लव कुमार विश्वास जी बताएं सर। अनिल वाडकर जी बताएं सर। हाँ सर, बोलिए सर। एक्चुअल में शॉर्ट में इसको एक पॉइंट पे कहना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कुछ पॉइंट्स रियल है। जैसे एक अपना एक है अज्ञानता और दूरदृष्टि की कमी, उससे भी ज्यादा ये तो कॉमन है ही सर। यदि ये अज्ञानता आप दूर भी कर दोगे तब भी आप नहीं जोड़ पाओगे सर। उसका एक रीजन है हर आदमी का साइकोलॉजिकल, एक ये स्टडी है सर। हर आदमी का एक बिलीफ सिस्टम होता है। मैं यदि अपना बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट जाऊंगा तो मैं भी नहीं जुड़ पाऊंगा। मगर यदि आपका बिलीफ सिस्टम आपको सपोर्ट करता है, आपका बिलीफ सिस्टम वर्क कर रहा है कि मेरे को, आपका बिलीफ सिस्टम एग्री करता है कि मेरे को ये काम करना है, तो आपको जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे को जुड़े हुए, मैं और मिसेस को जुड़े हुए मात्र 15 दिन हुए हैं, मगर 23 लोगों को हमने जोड़ दिया। फिर भी जोड़ने में सर दिक्कत आ रही है। जोड़ने में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि यदि आप साइकोलॉजिकल स्टडी पढ़ेंगे तो हमारे जो जोड़ने का तरीका है, हमारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि किसी के बिलीफ सिस्टम के साथ वर्क कैसे किया जाता है और उसको एग्री कैसे कराना है। इस पे अपन पर्सनली कभी मुद्दा नहीं है, अपन इस पे सर सेपरेट बात कर सकते हैं सर। नहीं, जो पहले बहन जी ने बताया था कि पुराने संस्कार आड़े आते हैं, तो ये बिलीफ है, ये पुराने संस्कार ही है ना? हाँ सर, पुरानी मान्यता, पुराने संस्कार। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी तो समस्या सारी गिनने, अभी तो ये देख रहे हैं कि एक आध समस्या रहने गई, वैसे ऑलमोस्ट सारी आ गई हैं। आप भी सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं कि ये जितनी बीमारियां एक एक करके सब बता रहे हैं और कुछ कॉमन बता रहे हैं। तो इस बात करते हैं, इसको समस्या का समाधान करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने सब दे रखा, ढूंढेंगे कुछ। यस सर, यस सर। इंजीनियर सबीर अहमद सर बताए सर। सबीर अहमद सर। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही सभी को। हाँ सर, एक बात तो ये है कि सभी का ये कॉमन एक मिल रहा है कि जोड़ने के लिए हमें अंदर जो एक अहंकार या कुछ सब बात रख रहे हैं। एक सर मेरे बात है, अनुभव तो आपसे आप लोग से बहुत कम है, लेकिन देखा जाते आरएसएस भी जब आए हैं ना सर स्टार्टिंग में, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि जगह जगह पर चंदा लेकर के और एक अपना एक कॉलेज या फिर स्कूल एक बनवाया है जगह जगह चंदा लेकर के। अगर सर वे चीज अगर हम लोग करते हैं ना, जगह जगह चंदा एक कलेक्शन करके हर जगह एक अपना स्कूल हो, उसके बच्चे जो आने वाले पीढ़ी पर जो बच्चे होंगे वे तैयार होंगे और एक नया। हम ये पूछ रहे हैं सर, सबीर सर ये पूछ रहे हैं कि हमको 70 साल से जुड़ने से रोक कौन रहा है? आप जुड़ने का तरीका बता रहे हो, हम कारण पूछ रहे हैं, रोक कौन रहा है वो बताओ। उस व्यक्ति का नाम, उस चीज का नाम बताओ, उस विचार का, उस भावना का, या कोई चीज है तो जो हमें रोकती है। जैसे सबने बताया, किसी ने अहम बताया, किसी ने स्वार्थ बताया, किसी ने मानसिक गुलामी बताई, किसी ने नशा बताया, किसी ने उद्देश्य बताया, किसी ने कुछ है नहीं, किसी ने ड्यूटी नहीं, कुछ में से कुछ हो तो बताइए, अगर रिपीट है तो मत बताइए। नो सर, सबका वही बात है, जो उन्होंने बात वही है, बाकी बात तो बाद में करेंगे, अभी तो समस्या पूछने पहले कि क्या है। श्याम कुमार सर बताएं सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। श्याम कुमार सर बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जी सर बोलिए। सर सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि फिलहाल बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, जहां भी हम चाह रहे हैं लोग जुड़ते ही जा रहे हैं सर,
और सर अब तक क्यों नहीं जुड़े, उसका कारण ये है कि जितने भी संगठन लोग चला रहे हैं चाहे छोटे या बड़े, वो अपनी सीनियरिटी से डर रहे हैं कि अगर हम इसे छोड़ के उधर जाएंगे तो हमारे जो पद है, जो गरिमा है, जो हमारी मूंछ वाली लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी सर। वो मुच्छों को बचाने के चक्कर में, अपना अहम बचाने के चक्कर में जुड़ने में थोड़ी दिक्कत, प्रधानी चली जाएगी प्रधानी। हाँ जी सर, जी सर, वही वही। ठीक है सर, ओके ओके। अपनी अकड़ है बिना, मतलब अगर मैं अपने संगठन या अपना जो ग्रुप जो मैं चला रहा हूँ, मालिकाना हक चला जाएगा, मालिकाना हक। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनके जो चवन्नी आती है ना सर, वो चारों तरफ से वो जाती रहेगी, पैसे, हाँ पैसे के जरिए बंद हो जाएगा सर। यानी कि प्रतिष्ठा पद मालिकाना हक और पैसे, मतलब इनकी जायदाद चली जाएगी, उनकी जो प्राइवेट कंपनी है वो खत्म हो जाएगी सर, सीनियरिटी चली जाएगी सर, सब कुछ चला जाएगा। ठीक है सर, ओके ओके सर। ये है सर सबसे बड़ा दुख, बड़ी खुशी खबर ये है सर, जहाँ भी जा रहे हैं हम लोगों से जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपकी दो चार बातें जब हम उनके सामने रिपीट करते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं एकदम से। मैं तो आपके बोलने की, आपके बोलने की खनक से ये बता देता हूँ कि आज आपने 10 आदमी जोड़े हैं। जी सर, सर मुझे डीएम ऑफिस में ड्यूटी मिली है सर, और करीब 200 आदमी मिले हैं जिनसे मैं कोरोना सेंटर पे काम कर रहा हूँ। बस आपसे आपसे एक निवेदन है, डीएम को छोड़ के बाकी सबको जोड़ लेना। हाँ सर, सर उनसे मैं बात नहीं करता इस मुद्दे पे, लेकिन जो अपने बंदे लगते हैं शकल से ही पहचान लेते हो ये अपना बंदा है। अगर मैं बाबा साहब की बात करता हूँ तो एकदम मेरे से लगाव रखते हैं, वो फिर अलग से बात करते हैं, और मैं एकदम जोड़ना शुरू कर देता हूँ उनको सर। बस ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बड़े शानदार। लाल बहादुर यादव सर बताएं सर, ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं हम लोग। नहीं, आपको देख के तो सारे एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपका तो क्लास रखेंगे यहाँ पे, ये जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको एनर्जी मिलती है उनकी आपकी 5 मिनट क्लास दिया करेंगे यहाँ, आपके तो चेहरे पे क्या बोलते हैं, एनर्जी खूब आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। सर हम तो जब गाँव में चले जाते हैं तो मैं खुद कहता हूँ कि भाई 4 घंटे तो मुझे अकेले चाहिए जब मैं चलूंगा, वरना मैं अकेले जाऊंगा जहाँ जाऊंगा प्रचार करने। मैं कहता हूँ 4 घंटे मेरे अपने होंगे, बिल्कुल जब तक मेरी बात खत्म नहीं होगी, वो अजमी सी हो जाती है, मैं बोल नहीं देता दूसरे को, मगर जब भाई पैसे खर्च कर रखे मैंने पूरे वसूल करके जब जाऊंगा अपने समाज को जगा के। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे करते हैं सर, हम अपना जितना कर हो सकता है। श्याम कुमार जी, 12 में आ रहा हूँ सहारनपुर, वही बोल लेंगे बैठ के। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर। 4 घंटे लेके जाना योगेंद्र सर, 4 घंटे पूरा दिन लेके आना सर। ठीक है। लाल बहादुर यादव सर बताएं सर। ओके सर, थैंक यू सर समय देने के लिए। हाँ बताएं सर। सर मैं बताना चाहूंगा, लोगों को जो है ग्रुप में और संघ में कुछ जो है ना, उनको पता चलता है जो संघ में जुड़ना और ग्रुप में जुड़ना क्या अंतर है, और जो है ना ग्रुप का घमंड होता है सर लोगों को, लोग ग्रुप का घमंड करते हैं और बताने वाले पर विश्वास नहीं करते सर, और जो है उनके अंदर अविश्वास की भावना होती है सर, उनको ये लगता है कि जो है इनको कोई जो है स्वार्थ होगा। और तीसरी बात ये है ना सर, जैसे शाम होती है तो जुड़ते इसलिए नहीं है, काफी लोग जो पी के जो रहते हैं सर, शाम को पी लेते हैं, जो है जुड़ने की मतलब उनको याद नहीं होता, शाम को जुड़ते नहीं थे। चलिए ठीक है लाल बहादुर सर, ये दरअसल यहाँ जुड़ने की बात नहीं हो रही, यहाँ तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं और सब तेजी से जुड़ते जा रहे हैं, जो 70 साल में हम अब तक जुड़े क्यों नहीं, कौन हमको रोक रहा है, उसकी बात कर रहे थे आज। हाँ सर, तो मैं जो है कुछ लोग जो थे, हम कई लोगों से मिला तो कहते हैं हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम इसमें क्यों जाएं। हमने उनको संघ के बारे में बताया कि ये जैसे संघ जो है समुद्र है और आप एक जो है नाले में या नदी के खड़े हुए हैं, आप समुद्र में आइए, तो उनका ये कहना होता है कि हम इसमें खुश हैं सर। तो अब उनको हमने कोशिश तो की, कुछ लोग जो है वो नहीं जुड़ते हैं सर। कोई बात नहीं, आप उनको ये कहना है कि भैया आप इसमें खुश तो हो मगर सुखी नहीं हो, आप सुखी नहीं रह सकते क्योंकि सुख तो मिलेगा नहीं, तो खुशी में और सुख में बड़ा अंतर है। ठीक है सर, चलिए ठीक है, ओके थैंक यू वेरी मच सर। आर के बॉस सर बताएं सर। सर सर जैसा कि मैंने पहले बताया था सर। अच्छा पहले बता चुके हो आप। सर सर सर, जो किसान और मजदूर और मध्यम वर्ग उच्च वर्ग ओबीसी में मुस्लिम में ब्रदरहुड की कमी है, ओबीसी तो चाहता ही ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। और नहीं सर, सर आप जी, आप जी, ना जी, सिर्फ एक दो शब्दों में जैसे बाकी सब साथियों ने बताया ऐसे बताओ आप। सर सर वही मैं बता रहा हूँ, जितने भी तथ्य बता चुके हैं वो शेड्यूल कास्ट में मजदूर वर्ग मध्यम वर्ग उच्च वर्ग में आप डिवाइड कर लीजिए, ओबीसी वर्ग तो ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है, मुस्लिम वर्ग में ब्रदरहुड की कमी है। चलिए ठीक है सर, भाईचारे की कमी। यस सर,
और सर अभी जो अभी सर मैं कानपुर जा रहा हूँ और सर ये छपवाए हुए हैं पर्चे, मैंने 150 पर्चे छपवाए हुए हैं, सबका काम करने के लिए ही छपवाए सर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसमें डब्ल्यू तो लिखवाया नहीं आपने, विदा पिप नहीं लिखवाया ऊपर समर संग? नहीं सर, अभी सिर्फ डेटा सबका लेके डालूंगा सर मैं। ठीक 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 है सर, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। चित्रा धीर धीर जी, चित्रा धीर सर बताएं जी। सर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, एक तो लोगों के पास समय का अभाव होता है, दूसरा ये है कि उन लोगों को हम पर या संघ कह लीजिए या 70 साल से जो हूँ, इसलिए वो कनेक्ट नहीं होना चाहते। ओके ओके बहन जी, ओके थैंक यू वेरी मच जी। गुरुवा सिंह सर बोलिए। चंदू सिंह सर आप बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर, जय भीम सभी को। सर 70 साल से न जुड़ने का कारण, सबसे पहला कारण तो मैं मानता हूँ कि आर्थिक हमारी वो नहीं है रही। नहीं हम कारण नहीं पूछ रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं कि 70 साल से हमें रोक कौन रहा है। अब अगर आप रोकने का कारण ये मानते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं लिखूं स्कूल में पैसा ना होने जो गरीबी है वो एक कारण है। हाँ गरीबी का कारण लिख दो सर, और भविष्य का कोई चिंता नहीं है, और ना ही राजनीतिक कोई पावर भी नहीं रही। वो तो पहले बता दिया, वो तो रिपीट हो गया, गरीबी नहीं आई थी, आपने गरीबी बता दी। ओपीडी भी गरीबी सर, गरीबी हमें रोटी के मतलब बहुत, हमारी 22 करोड़ में से मुश्किल से 50 करोड़ लोगों को रोटी रोजी का ही अभाव है, तो जुड़ने की तो बात अलग है सर। ठीक 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 है सर, ओके सर, थैंक यू जी जी। हाँ ओके सर, वीर सिंह आनंद जी गाजियाबाद से बताएं सर। वीर सिंह आनंद सर, सर बोलिए सर। हेलो सर, जय भी नव बुद्धा सर, वीर सिंह आनंद साहिबाबाद गाजियाबाद से। बोलिए सर, बोलिए सर। एक आप पूछ रहे हैं कि 70 सालों से हमको जोड़ने से कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है वो बताएं। तो पहले तो 70 सालों से हमारा समर संघ नहीं था जी, अब समर संघ है। अब समर संघ में हमको आशा है कि समर संघ से सब लोग इकट्ठा हो सकते हैं और कुछ समस्या का समाधान हो सकता है लोगों। मैं आपकी तरफ से लिखूं कि संघ नहीं था जी सर, संघ नहीं था। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ मोहनलाल सर बताएं। हेलो सर जी, बोलिए सर। मेरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि जो आप कि क्यों नहीं लोग जुड़ते, उसका कारण जो हमारा तो होता है कि बहुत सारे सोशियो कल्चर फैक्टर्स होते हैं, अगर हम उनको एड्रेस नहीं करते तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। और सेकंड पॉइंट है कि डी लर्निंग होनी जरूरी है। सो जब तक डी लर्निंग नहीं होगी तब तक हम री लर्न नहीं कर सकेंगे। तो बेस्ट वे है कि हम लोगों का कि ये कारण जाने कि हम क्यों नहीं जुड़े, उसका कारण हमारी डी लर्निंग नहीं हो रही, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, खास करके जहां पे बहुत सारे लोग एक जगह बैठे हैं जी। ठीक है सर, डी लर्निंग और ली लर्निंग नहीं हो रही हमारी, ठीक है ना सर? हाँ यस, डी लर्निंग नहीं हो रही है, इसलिए हमारी डी लर्निंग नहीं हो पा रही है। या जी डी लर्निंग। रणवीर सिंह जी, आप रणवीर सिंह जी डिप्टी कलेक्टर जी सर, रणवीर सिंह जी बोलिए सर। हाँ जी सर। अच्छा बहन जी बोली है, यहाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। अज्ञानता, मेरे हिसाब से अज्ञानता है सर। जी जी अज्ञानता, थैंक यू वेरी मच। समझ नहीं थी पहले किसी को, और एक ये ब्राह्मणों का ये मोटे वाला कर्म कांड जो है ये नहीं करने दे रहा सर, ये नहीं करने दे रहा। हाँ जी ओके, थैंक यू वेरी मच। विप्लव कुमार जी आगे क्या? विप्लव कुमार कुशवाहा जी, हेलो हेलो बोलिए। प्रभा सिंह जी बोलिए। हेलो, हाँ जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय, बोलिए सर। सर असल में आजादी के बाद जैसा आपका प्रश्न है ना सर, 70 सालों पर न जुड़ने का कारण पूर्व लीडरशिप की जो स्पष्ट पारदर्शिता नहीं थी सर, पहले पारदर्शिता की कमी कह लीजिए, पूर्व लीडरशिप जो थी ना सर उनकी स्पष्ट पारदर्शिता नहीं रही, परिवारवाद रहा सर,
जो गरीब लोग थे या जो अपने हकूकों को नहीं जानते थे, अधिकारों को नहीं जानते थे, नहीं, वो नहीं आप तो फेलियर के कारण बता रहे हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लीडरशिप है, जो व्यक्तिवाद है, उसकी वजह से नहीं जुड़े हम। जी सर, और उनकी उचित व्यवस्था, दो ही कारण है सर, व्यक्ति लीडरशिप पारदर्शिता और उचित व्यवस्था न होने के कारण। जैसी सर अब हमारे संघ में मान लो आपके द्वारा बनाया गया, आम सब लोगों के द्वारा समर संघ, इसमें सर डेली जो भी चीज हो रही हो बताई जाती है एक सप्ताह में कि भाई इतना वहां जुड़ गए, और इसकी जो क्लियर मतलब स्पष्ट रहे सर सारी चीजें, तो लोग जुड़ रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं। पहले लोगों पर विश्वास किया, उसके बाद उनके साथ विश्वासघात हुआ, इसीलिए नहीं जुड़े सर आज तक न। ओके सर, विश्वासघात की वजह से नहीं जुड़े लोग पहले। जी सर, जी सर, ठीक। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, जय भीम। नानकचंद सुमीर जी। सर मेरे सामने भी यही बात है, ईमानदार और सक्षम नेतृत्व की कमी रही है, ईमानदारी कमी हमेशा तैयार है और ज्यादा तेजी से जुड़ेगा अगर देखे कि ये समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। कर चलिए, ठीक है। दलीप सामरिया जी, ये तो नाम बढ़ते जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ घट जाए, खत्म हो जाए, 11 बजने वाले। दलीप सामरी जी बताएं सर। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम अगर समर संघ में जुड़े हुए हैं, ये आज से तो नहीं है, ये बहुत पुराना है जी। और हमारी समाज में सिर्फ एक ही चीज की कमी है कि वो आज तक जो गुलामी की जंजीरों में जो जकड़े हुए है ना, और जिस कंफर्ट जोन में है अभी, वो 2 रुपए के लोग गेहूं खाने वाले, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और मैं चाहता हूं उसको छोड़ के अगर अपना खुद का कुछ करना लग जाएंगे तो जंजीरों से वो बाहर निकल जाएंगे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र प्रताप जी बताएं सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, होता है, बताएं सर। सर इसका जो है मेन कहने का मेरा उद्देश्य है कि इसमें कारण जो आ रहे हैं वो है जो एटीट्यूड है और जो ईगो है और अज्ञानता, मानसिक जो दृष्टिकोण है इसकी कमी है। चलिए ठीक है, मानसिक कमी है, मानसिक दृष्टिकोण की कमी है, ठीक है सर। अज्ञानता रही, अज्ञानता और अहंकार भी है सर ना। चलो अब इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं और दो बात करते हैं, फिर जो आज के एंकर है उनको दे देते हैं। जय भीम नमोद्धाय सर। जय भीम नमोद्धाय। अब चूंकि 260 से 160 रह गए हैं, 100 लोग जा चुके हैं, क्योंकि अब कमाल की बात यह है कि 2 अप्रैल 2018 को कैसे जुड़ गए। अगर सबके पास में एक एक कमी, दो दो कमी, तीन तीन कमी सबने बताई है और कुछ कमियां कॉमन हैं और कुछ बातें बताई हैं। पहली बात तो यह है कि जिसने भी कहा है उसने ये कहा है कि कमी हमारी है, किसी ने ये नहीं कहा कि कोई सामने वाला व्यक्ति हमको रोक रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कोई व्यक्ति हमको रोकने वाला नहीं है, कोई समुदाय रोकने वाला नहीं है, कोई भी कहीं कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा है या कहीं कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप ना जुड़ो या आपको ना जुड़ने का राइट आपको दिया नहीं गया है। इसका मतलब जुड़ने में जितनी दिक्कत आ रही है वो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर है, यानी हमें है कमियां, तो वो कमियां दूर करेंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी कमी होने के बावजूद भी, जब इतनी सारी कमी बताई तो 2 अप्रैल 2018 को हम जुड़ कैसे गए, 2 अप्रैल 2018 को ये कमियां कहाँ चली गई। अगर हमें ना जुड़ने का गुण होता या ये कमियां हमको रोक रही होती या कोई दिक्कत होती तो हम 2 अप्रैल 2018 को भी ये कमियां होती, ये ईगो, अहम, अज्ञानता, ये सारी बातें 2 अप्रैल 2018 को भी होती। ये जितनी भी चीजें जो बताई हैं सबने, ये 2 अप्रैल 2018 को एक भी शो नहीं हुई और 2 अप्रैल 2018 को व्यक्ति सारे के सारे जुड़ गए। ये है कि ये जितनी भी चीज बताई हैं वो टेम्परेरी हैं, वो परमानेंट नहीं है। वो जैसे 2 अप्रैल 2018 को एक साथ खत्म हो गई वैसे ही वो खत्म है। अगर आप उनको खत्म माने तो, और ना माने तो साथ लेके घूमते रहे। इसलिए ये जो दिक्कत आ रही है कि जो इतनी सारी बातें बताई हैं, इतनी सारी बातें हमारे जुड़ने में बाधा नहीं है। अगर ये सारी बातें जुड़ने में बाधा होती तो 2 अप्रैल 2018 को जो चमत्कार पूरी दुनिया में हुआ और भारत में, बिना किसी नेता के, बिना किसी बहुत बड़े सिस्टम के, ना ही उस समय संघ था, ना ही संगठनों ने ये कहा कि इकट्ठे हो जाओ, लोगों को एक चेतना जागी और लोगों को एक साथ जुड़ते चले गए। उसका कारण ये था कि उनका अधिकार चला गया और उनकी जान खतरे में आ गई, पिटाई होने का नंबर आ गया और एफआईआर कहीं आनी नहीं थी।
तो लालच और भय दो कारण ऐसे होते हैं जब आदमी सारी चीजों को छोड़ के और भय में और लालच में आ जाता है। अगर आप सही तरीके से ये व्यक्ति को बता दें कि हमारे सारे अधिकार जा चुके हैं, और सही व्यक्ति को ये बता दें कि भाई अब हम भैरव काल में हैं, चारों तरफ भय ही भय है, तो कोई कारण नहीं है इनमें से जो काम करेगा। इसका मतलब यह है कि हमको बहुत तेजी से ये बात उनको बतानी पड़ेगी कि हम बहुत संकट में हैं, बहुत भयानक काल है, 2 अप्रैल से भी ज्यादा भयानक काल है। ये बात हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सारी बातें जो आई हैं उन्हीं बातों का निचोड़ है, इन बातें बताई हैं। इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उस लालच और भय से कहीं टच ना करती हो। किसी ने स्वार्थ कहा, किसी ने ये कहा कि तुरंत फायदा चाहिए, किसी ने कहा नौकरी मिलनी चाहिए, किसी ने कहा कि वो लेजी हो गए, किसी ने कहा आलस हो गया है, सारी बातें बताई हैं, घूम फिर के वहीं पे आती है। इसलिए हम जुड़ जाएंगे इसमें कोई शक नहीं है, हमको काम का ज्यादा करना पड़ेगा। बस हम काम कर गए और लोगों को सही बात ये बता गए कि अब 2 अप्रैल से भी ज्यादा भयानक समय आ चुका है, तो हम जल्दी जुड़ जाएंगे। और हम अब ये बताने में कामयाब नहीं हुए तो हमारी दिक्कत आ जाएगी। ये सारी बातें जो बताई हैं इन पे सब लोग मनन करें, चिंतन करें और सोचें, और फिर ये देखें कि जुड़ने जोड़ने में बाहरी व्यक्ति एक नहीं है, एक भी व्यक्ति बाहरी नहीं बताया किसी ने, और ना ही ये कहा कि कोई व्यक्ति डंडा लेके उनके सर पे खड़ा हुआ है या बंदूक लेके उनके सर पे खड़ा हुआ है या उनको कहीं ऐसा कह रखा है कि आप जुड़े ना। ना जुड़ने की सारी कमियां लोग सब जानते हैं, और यहाँ एक एक करके सबने वो कमी बताई है, तो उस कमी को दूर कौन करेगा? उस कमी को दूर करने के लिए कोई दूर से आदमी नहीं आने वाला है, उस कमी को दूर भी आप ही खुद करेंगे, क्योंकि कमियां आपके अंदर हैं। बाहर वाला व्यक्ति हो तो उससे लड़ा जा सकता है, मगर जब कोई व्यक्ति बाहर है ही नहीं, कोई संघ कोई समुदाय बाहर है ही नहीं, कोई गुरु बाहर है ही नहीं जो हमको जुड़ने से रोके, तो लड़े किससे? इसका मतलब हमें आपस में ही ठीक होना पड़ेगा, इसीलिए हम कामयाब हो जाएंगे। और यही बुद्ध ने किया, बुद्ध कभी किसी व्यक्ति से लड़े नहीं, और यही डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, वो कभी किसी से लड़े नहीं। एक बात ध्यान देना कि जितनी कमियां यहां आपने लिखवाई हैं, मनुष्य के अंदर जो कमियां होती हैं, इनमें से एक भी कमी डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर नहीं थी, और इनमें से एक भी कमी बुद्ध के अंदर नहीं थी, और इनमें से एक भी कमी किसी महापुरुष के अंदर नहीं थी, और इनमें से एक भी कमी कभी भी किसी जो हमारा संत होता है उसके अंदर नहीं थी। इसलिए वो जुड़ने में कामयाब रहे। ये जितनी जितनी कमियां आप निकालते जाएंगे, जितनी जितनी कमियां दूर होती जाएंगी, आप यकीन मानिए कि जिससे आप बात करेंगे उसकी कमी भी ऑटोमेटिक दूर होती चली जाएगी। ये एक नेचुरल प्रिंसिपल है, नेचुरल सिद्धांत है जो बुद्ध ने बताया। जैसे आप होंगे वैसे ही सामने वाले का मन बदलता चला जाता है। आपके हाथ में शराब की बोतल होगी तो सामने वाला बिना पिए शराब की एक्टिंग करना शुरू कर देगा, उसकी आंखों में नस आ जाएगा, बिना पिए आ जाएगा, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है। और आप अगर शराबी नहीं होंगे तो सामने वाला अगर पिए भी होगा तो भी आपके सामने ऐसा व्यवहार करेगा जैसे उसने पी नहीं है। ये आपके अंदर की ताकत है जो सामने वाले को बदल देती है, और तुरंत बदल देती है। इस ताकत का इस्तेमाल करके जितना जोड़ेंगे, जो जोड़ने में अभी कामयाब नहीं हुए वो भी कामयाब हो जाएंगे, अगर इन सिद्धांत को, इन नियमों को पालन करेंगे। महापुरुषों की ये बात जितनी भी है ये बड़ी काम की है कि आपका आचरण आपके जाने से पहले पहुंच जाता है। यानी आप किसी घर में जा रहे हैं और उस घर में जब ये पता चले कि भाई फलाना व्यक्ति आ रहा है, तो फलाने व्यक्ति का जो मन होता है, यानी जो आचरण होता है, वो पहले पहुंच जाता है, तो लोग उसी मन और आचरण के हिसाब से उसको इज्जत देते हैं या उसकी बेइज्जती करते हैं। अगर कोई शराबी कबाबी किसी घर जाता है तो उसके लिए दरवाजा नहीं खुलता, कहते भगाओ यहां से। और कोई सतपुरुष जाता है, कोई शांत पुरुष जाता है, कोई अच्छा व्यक्ति जाता है, कोई अच्छी महिला जाती है, तो उसके लिए चाय भी कराते हैं, नाश्ता भी कराते हैं, बल्कि चाय नाश्ता खाना कराने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने, इसने हमारा कुछ खाया तो इसने हम पे उपकार किया। तो ये आचरण और ये व्यवहार आपको जीत दिला देगा। और ये सारी कमियां जो आपने आज बताई हैं, सारी ये कमियां सब जानते हैं, ये खुद ही दूर करनी है। दूर करने का साधन वैसे तो बुद्ध ने बताया है, बाबा साहब ने बताया है, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है, आप उनको मान लेंगे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बुद्ध ने तो बहुत ही डिटेल में बताया है, ना भी अगर बताया है तो भी आप एक छोटे बच्चे से समझ सकते हैं कि जैसा छोटा बच्चा शुद्ध होता है, वो ना चोरी करता है ना चकारी करता है, उसी तरह से आप व्यवहार करेंगे तो 100% हमारी स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगी। और हमारी स्पीड तेज बढ़ जाएगी तो फिर हम अपने काम को जल्दी से जल्दी अंजाम दे पाएंगे। योगेंद्र सर जी चलाइए सर। ठीक है सर। শুনছো তো বলছে বকর বকর শোনো, নিজে যাওয়া হলে তো আয়ানো করতে পারো।
11:05 हाँ सर 11:05 हो गया, अपना माइक ऑन करें सर। परियार साहब कोई साथी फर्स्ट टाइम जुड़ा है और परिचय नहीं हुआ जरूर दें, जिनका परिचय नहीं हुआ वो अपना परिचय दें। कोई भी साथी बिना परिचय के न जाए। ये इंजीनियर शब्बीर अहमद जी एक बार अपना नंबर देना प्लीज, सुन रहे हैं तो मेरी आवाज। शब्बीर अहमद जी मिर्जापुर से अपना वो दे मोबाइल नंबर। परियार साहब मैं दे दूंगा आपको। ठीक जी। इसमें चैट बॉक्स में आ गया है। चलो मैं देख कर लें, देख लेता हूँ। कोई अभी कोई प्रोफेसर जुड़ा हो, जुड़े हैं कोई भी किसी कॉलेज से? कॉलेज से यूनिवर्सिटी से कोई प्रोफेसर जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं? एमएस बैल जी जुड़े हुए, बैल से जुड़े हुए, बहुत दिन से बोले नहीं वो। हाँ रिटायर्ड प्रोफेसर। रिटायर भी हो कोई? हाँ जी बोलिए क्या है। बस अपना परिचय दे दें सर अगर नहीं हुआ। हाँ मैं डॉक्टर मोहनलाल मेडिकल एजुकेशन से प्रोफेसर एंड हेड रिटायर्ड हुआ हूँ। आप तो पहले से जुड़े हुए सर। यस सर। और प्रोफेसर्स की आज था स्पेशल कि उस फील्ड में हमारे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कॉलेज से हैं, वो अभी वैसे बुद्धिजीवी वर्ग में है लेकिन इसमें आ नहीं रहे हैं या उनको समझा नहीं पा रहे हम, थोड़ा सा वो इश्यू था। नहीं इसमें एक बात मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी सर। कि बहुत सारे लोग टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते। जी वैसे तो टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो ज्यादा लोगों के साथ जुड़ा होता है और उसके साथ बहुत सारी आप एज ए सोशल एजेंट आप काम कर सकते हैं सोशल चेंज के लिए, पर बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे जो हैं वो इन सब्जेक्ट्स को चॉइस भी नहीं होती और चाहते भी नहीं हैं क्योंकि थोड़ा सा जो कमर्शलाइज हो गया है मेडिकल प्रोफेशन, तो बहुत कम लोग हैं जो टीचिंग में आना चाहते हैं। एक्चुअली अगर आते हैं तो वो उनका जो टीचिंग जो हमारी होती है वो उसका कोई बेसिक जो प्रिंसिपल होते हैं वो कई बार फॉलो नहीं होते, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई टीचिंग में आया है तो टीचिंग एक्सपीरियंसेस जो होते हैं जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल सर। मेन तो जो यूनिवर्सिटीज हैं JNU है कॉलेजेज है हर शहर में है तो उनके प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं एक्चुअल में पर्पज ये था कि वो लोग आए और इसको समझे। तो काफी फोन भी किए थे आज लेकिन नहीं आते हैं वो लोग, वही मैं कह रहा हूँ। ये था इंजीनियरिंग और मेडिकल में तो प्रोफेसर्स सही बात है वैसे ही नहीं जाना चाहते, वो इधर उधर अपना हो जाते हैं इंटरेस्ट ही नहीं। हाँ, वही बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और नॉर्मल और प्रोफेसर हैं काफी शिक्षाविद हैं मतलब वो तो कम से कम यूनिवर्सिटीज में होते हैं, वो बहुत हैं। एक एक कॉलेज में 25-25, 30-30 भी हैं SCBC के। नहीं नहीं वो तो हमारे भी बहुत ज्यादा मेडिकल में भी बहुत ज्यादा लोग हैं, ऐसा नहीं बात है। बात तो वो है कि उनका जो इंटरेस्ट है ना वो डिफरेंट होता है थोड़ा सा। सोशल सिस्टम है ना उनको वो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे अलाइड सब्जेक्ट से जो है। सर मैं थोड़ा इंटरफियर करूंगा सर। परियार सर। जी सर। मैं सर अभी 11 और 12 तारीख को मैं लखनऊ में गया था KG मेडिकल यूनिवर्सिटी में। जी सर। तो खुशी तो इस बात की होती है कि वहाँ 100 प्रोफेसर्स हैं सर KGMU में अपने, लेकिन दुख इस बात का होता है कि 4-5 लोगों से ज्यादा सक्रिय नहीं। बिल्कुल। तो प्रोफेसर्स की कमी नहीं है और सर 130 जो है सर वहां पर OBC से
और जो वहां की जो जर्नल एसोसिएशन है केजीएमयू की, उसके जो सेक्रेटरी है वो डॉक्टर संतोष कुमार है, प्रोफेसर टीबी एंड चेस्ट में है वो। तो मैं लगभग आधा घंटे बैठा उनके साथ, मेरे साथ डॉक्टर सुरेश बाबू भी थे, वो प्रोफेसर पैथोलॉजी हैं। तो लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जो एक लोकल एक्टिविटी तो वो करते हैं अपने स्तर पर वहां, उसमें तो उनकी भूमिका काफी सराहनीय है, लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो समाज के लिए जो एक एग्जेम्पलरी काम होना चाहिए, तो वो अभी हम उनसे उम्मीद करते हैं। तो हमारे यूपी में प्रयास जारी हैं, और हमें ये बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि लखनऊ में इनडायरेक्टली उन लोगों का योगदान था, हालांकि सुरेश बाबू भी नहीं आए थे, डॉक्टर संतोष भी नहीं आए थे, लेकिन प्रोफेसर आनंद स्वरूप आए थे, प्रोफेसर आर पी सिंह आए थे, ये दोनों के दोनों मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे वहां। अब वो समर संघ की मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, या उनका कोई बहुत ज्यादा एक्टिव कंट्रीब्यूशन समर संघ के लिए नहीं है, ये थोड़ा दुख की बात है, लेकिन लोग हैं सर, मेरा ये कहना है कि लोग हैं। डॉक्टर साहब जी, दरअसल क्या है कि संघ का कंसेप्ट, पहली बात तो क्या है कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि हमारा संघ भी है जी, मतलब उनको उनको लगता है कि संघ हमारी मतलब संघ किसी और का ही है, वो इसका इतना प्रचार हो चुका है, उनको सपने में भी यकीन नहीं होता कि हमारा भी संघ है जी। फिर संघ के नियम उनको उछाल देते हैं, तो संघ के नियम है। अब आपको एक बात बताता हूं कि जब आप किसी बहुत बड़े अच्छे पढ़े लिखे अपने आदमी से मिलकर उसको कहो कि नहीं नीचे बैठ और पराठे में साथ कहा, तो वो कहता है यार क्या फताई, बड़ी मुश्किल से तो ऊपर बैठे, बड़ी मुश्किल से तो क्या बोलते हैं मरु मुसलम खाना शुरू किया है, ये फिर पठार नीचे बैठ के चार रोटी भी लेके आ रहे हैं, वो चीजें दिक्कत कर रही है लोगों को जी। तो जी जी समस्या आ रही है जी जी जी, वो ग्रेडिंग हो रही है ना, वो बड़ा प्रॉब्लम है, पहले जातीय थी है, लेकिन अब तो ये नौकरियों की भी है ग्रेडिंग है, हाईली पेड जो है टीचर प्रोफेसर हाईली पेड है सर, तो वो भी एक इश्यू है सर, को भी आरएसएस का बोलते हैं। बहल सर हो सकता है इस बार आपसे बुधपूर्ण बनवाए हम दिल्ली में। नहीं, आप जो आज सब्जेक्ट जो लिया है बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और लोगों के कारण भी सुन रहा था कि किन कारणों की वजह से हम जुड़ नहीं पा रहे। क्या वो यूक्रेन के युद्ध से क्या इंग्लैंड के कैमरे खराब हो गए क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है, कैमरा खोल देता हूँ। तो इसमें मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि भाई कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम जुड़ नहीं पा रहे, इतना समय हो गया है। मैं अपने जीवन में जो दो तीन चीज बाबा साहब से सीखी हैं कि भाई एक तो हमारे समाज के अंदर मुख्तखोरी बहुत है, हर चीज हम मुफ्त में चाहते हैं, हर चीज हम मुफ्त में चाहते हैं। दूसरा, इग्नोरेंस बहुत है और उस इग्नोरेंस की वजह से ना हम किसी की इज्जत करते हैं तो ना किसी से करवा सकते हैं, और इग्नोरेंस की वजह से हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। तीसरा जो मैंने देखा है कि भाई जब किसी भी लोगों को अधिकार मिल जाते हैं तो जैसे मछली पानी की तब तक कदर नहीं करती जब तक पानी सूख नहीं जाता, जब सूखने पे आ नहीं जाता फिर वो तड़पती है। वो ही हालात आज मेरे समाज की है कि सारे अधिकार जैसे जैसे जा रहे हैं अब थोड़ा बहुत तड़प रहे हैं। उसी तड़प का एक नतीजा था जो 2 अप्रैल का आप एग्जांपल देते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि बाबा साहब ने पहले ज्योतिराव फूले ने कहा था कि विद्या बिना मति गई, तो बाबा साहब ने बहुत बड़ी विद्या ली, लेकिन वो हालात फिर भी नहीं बदले। बाबा साहब को वो इंसल्ट, वो बाबा साहब का
ह्यूमिलिएशन होता रहा, तो बाबा साहब इस स्टेज पे आए कि भाई हमें बहुत से अधिकार मिलने चाहिए जो परमानेंट हमें शिक्षा मिलती रहे, अनमैनेजेबल हो। बाबा साहब, पता था बाबा साहब को कि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि हमारे संतों मंतों को कैसे इन्होंने मैनेज कर लिया ब्राह्मणों ने, इसलिए मैं ऐसे अधिकार इनको दूं और उन अधिकारों का ये प्रयोग और उपयोग करके ये एक संघ में आ सकेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि जितना अधिकार हमें मिले वो फोकट में मिल गए, हमने कोई मूवमेंट नहीं चलाई, हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आपको भी पता है कि भाई जो हम आज फल खा रहे हैं पके पकाए, जो पेड़ है मेरे पुरखे के लगाए हुए, हमने तो कोई पेड़ लगाया ही नहीं, तो कहाँ से फल बच्चे खाएंगे। तो इन चीजों को देखते हुए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो लड़ाई है जीवन की, वो सिर्फ रोटी मिल जाए इसी से निर्भर नहीं है। हमें मान सम्मान भी मिलना चाहिए, हमें फ्रीडम भी मिलनी चाहिए कि जहां हम किधर को जाना चाहें किधर को नहीं जाना चाहें, ये भी एक बहुत बड़ी नीड है हमारी। केवल हम खाते रहें पीते रहें इसी से काम चलता रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपने वियतनाम का नाम सुना होगा, एक छोटा सा पिद्दी सा देश है जिसने 17 साल अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ी, और वो क्या करते रहे, वो हर 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद एक मीटिंग करते थे अपने लोगों की, एक संघ की, और सोचते थे कि कहां से हम गलत हो गए, और उसको फिर रिव्यू करते थे, रिव्यू करके अपना टैक्टिक बदलते थे, और टैक्टिक बदलने की वजह से अमेरिका कहीं बम और गिराता रहता था, वो मूव कहीं और कर जाते थे। अल्टीमेटली उन्होंने अमेरिका को हरा दिया नहीं, वहां से भगा दिया। तो अगर हम भी इसी चीज को समझ गए होते कि किस तरह बाबा साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी बच्चों की, अपनी और अपने जीवन की देकर हमें जे सारा कुछ दिया है, और जैसे ही एक अधिकार हमसे खुसा था, हम उसका रिव्यू करते, उसके ऊपर सोचते कि ये क्यों चला गया, और हम इकट्ठे होकर विचार करते कि ये अधिकार इसलिए चला गया कि हम में ये कमियां थी, और उन कमियों को रिमूव करते तो सेकंड अधिकार हम लुटने से रोक सकते थे, पर हमने ऐसा किया नहीं। बहुत सी है, हमारे अंदर विजन नहीं है, हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है, एक दूसरे के साथ हम जुड़ना नहीं चाहते, और सदियों से हमें कोई बोलने का अधिकार था नहीं, तो जैसे ही बोलने का अधिकार मिला तो हमने छोटे छोटे संगठन बना के अपनी अपनी डफली बजानी शुरू कर दी। अब उसके अंदर हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और मैंने कहा जितने भी सब अपने जो संगठन है जिनमें काम किया है, मैं हर एक को यही देखता हूँ को वो छोड़ना चाहता है, लेकिन उसके अंदर जो एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है कि यहाँ मैं मंच पे बैठा हूँ, वहां जाके नीचे बैठ जाऊंगा तो कैसे मैं कैसे बिहेव करूंगा, मैं मुझे कैसे ये टॉलरेट होगा। जब तक हम एक मूवमेंट में नहीं आते, जब तक हम एक धर्म में नहीं बनते, मेरा ये मानना है कि हम कभी भी कामयाब नहीं होते। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धर्म दिया था इन्हीं सभी चीजों से, ये जो हमारे अंदर तोड़ फोड़ है या छोटे छोटे संगठन है, इन चीजों धार्मिक संगठन दिया, इन चीजों उन्होंने धर्म इसलिए दिया था कि हम जो छोटे छोटे जो हमारी मानसिकता, हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनको बोलकर बड़ी समस्या को हम हैंडल करें, जो राजनीति है या सत्ता है, ताकि हम संविधान बचा सकें। संविधान को बचाएंगे तो हमारे अधिकार बचेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन होनी चाहिए। एक दो मिनट में, चार मिनट में इस पर आप डिस्कशन नहीं कर सकते। मैं तो एक ही कहूंगा कि हमारी इग्नोरेंस, विजन और हमारी इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स और हमारी मूर्खता, ये चार मेजर पार्ट्स हैं हमारे फेल्यूर के। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। बैल सर, आपने बहुत बहुत साधुवाद, आंखें खोल दी। बैल सर जी, सर एक कमाल की बात तो ये देखिए कि 70 साल में हमारे लोगों को एक जरा सी ये सोच नहीं आई कि अगर पूरे देश की समस्या है तो पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा।
जी और उन्होंने पूरे देश को इकट्ठे होने की ना केवल सोची बल्कि अगर किसी ने कुछ कोशिश भी की तो उसके विरोध में भी आ गए। ये पहला काम है। देखिए आप सर जी एक बोलिए बोलिए सर जी, एक चीज को आप ध्यान में रखिए कि जिन लोगों के पास सदियों तक सत्ता रही है और उनकी सुप्रमेसी और उनकी जो वर्चस्व है वो हमारे सर पे तांडव करते रहे हैं, आप क्या समझते हैं वो बिना किसी स्ट्रगल और बिना किसी विरोधता के ही आपको सत्ता सारी दे देंगे, कन्वर्ट हो जाएगी? अगर हम मेरा हम अपना मानना है। जी बोलिए बहल सर, हम तो यहाँ सत्ता की बात ही नहीं करते और ना सत्ता के लिए फाइट करें ना ही सत्ता का जिक्र कर रहे। हम तो दरअसल क्योंकि सत्ता के लिए तो उन्होंने हमारे दिमाग में डाला हुआ है कि सत्ता ले लो सत्ता ले लो सत्ता ले लो और सत्ता से सारा कुछ है। बाद ना बाबा साहब ने ऐसा कहा ना बुद्ध ने ऐसा कहा ना संतों ने ऐसा कहा और ना ही एक अच्छा जो जानकार होगा वो ये कहेगा। वो ये कहता है कि सत्ता तो पैरों की जूती होती है, जब चाहे जब बदल लो, अगर पैर सलामत है, आपने पैर ही नहीं जोड़े अपने तो सत्ता तो आपको पैर की जूती मिले कहां से? दिक्कत तो ये थी कि जिसके पैर ही नहीं है वो पैर की जूती लेके करेगा भी क्या? और बाबा साहब ने तो साफ कहा है कि अगर आप बिना सामाजिक संघ के अगर आप सत्ता लेते हो तो उनको फायदा करेगी, हमें तो करेगी नहीं, ये बाबा साहब ने स्पष्ट कहा हुआ है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये आ रही है कि हर ताले की चाबी जो हमको बताया गया सत्ता है, हर ताले की चाबी सत्ता नहीं है, हर ताले की चाबी संघ है। कोई भी काम करेंगे इकट्ठा के होके करेंगे तो काम बिगड़ नहीं सकता और इसके हजार सबूत हैं पूरी दुनिया के अंदर। आज अगर आप देखोगे कि जो दुनिया में जितने भी लोग इकट्ठे हैं वो सब मौज करते हैं और जो बिखरे हुए लोग हैं वो उनकी मौज के लिए माध्यम बने हुए हैं, वो उनका साथ हैं, वो वहां से उनको मौज मिलती है जो बिखरे हुए लोग हैं। तो टोटल जो यहाँ भी बात निकल के आई और आपने देखा होगा कि यहाँ इतने सारे लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें किसी व्यक्ति ने रोका हुआ है या हमें किसी समूह ने रोका हुआ है या कोई विरोधी हमारा है या कोई दुश्मन हमारा है या कोई ब्राह्मण जिसने रोका हुआ है। एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि ब्राह्मण ने रोका हुआ है या ब्राह्मणों ने ऐसे संगठन बना रखे उन्होंने रोका हुआ है। लोगों ने यह कहा कि हम खुद रुके हुए हैं, हम खुद निकम्मे हैं, हमें खुद ईगो है, हमें खुद कमियां हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। इसका मतलब ये सारे लोग जानकार हैं, ये समझ गए इस बात को कि कमी हमारी है। सामने वाले का तो खामे का नाटक हो रहा है, सामने वाले का तो खामे का नाम हो रहा है। एक भी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का दूसरे का नाम लिया ही नहीं। ये कमाल की बात है। पूरी लिस्ट में मैं वही चेक कर रहा था, बार बार मैं कह रहा था कि देखो भाई अभी तक सबने यही कहा है कि कमी हमारी है, कोई दूसरे व्यक्ति की नहीं है। ये दिक्कत आ रही है। इसलिए जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि ब्राह्मणों ने हमको रोका हुआ है तो ब्राह्मण दूर दूर तक है ही नहीं। वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मगर हम क्या कर रहे हैं, हमने तो ये कभी चेक किया नहीं, देखा नहीं। अभी आपने कहा कि वियतनाम के अंदर वो हर बार चेक करते थे संघ बना के कि हमारी क्या कमियां क्या नहीं है, पर हमने तो ना अपने लोगों को चेक किया ना अपने आप को चेक किया। वो दिक्कत आ गई हमारे साथ। सर जी सर सर एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जितने भी संघ से जुड़े व्यक्ति है सब संगठन के ही व्यक्ति है, किसी न किसी संगठन के व्यक्ति ही ये संघ में जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ ना हो। आर के बाबूजी जी सर, अब मैं आपके सेंटेंस को ठीक कर देता हूँ। इन संगठनों में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो मेरे बुद्ध के संघ के पहले संघ से जुड़े हुए हैं और वो सारे संघ के व्यक्ति हैं जो इन संगठनों में टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं। जिन संगठनों की बात कर रहे हैं वो मेरे संघ के लोग हैं। सर मेरी एज 35 है और मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, यानी कि मैं पहले किसी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें मेरे को कमियां महसूस हुई। नहीं आप सुनो ना ध्यान से, आपकी एज 35 है और आपके जो माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता बहुत पहले थे वो मेरे संघ से जुड़े हुए थे, उनके टुकड़े होके आप संगठन में गए। इसलिए ये सेंटेंस को ठीक करो आप कि जितने भी संगठनों में लोग हैं वो मेरे संघ के लोग हैं, मेरे संघ में संगठनों के लोग नहीं है। आप ये ध्यान रखना, मैं संघ का पार्ट हूँ, मैं संघी हूँ, तो जितने भी लोग जुड़ के आ रहे हैं वो पुराने संघी हैं। बार बार बताते हैं कि पुराने संघी हैं, संगठनों में तो वो टूट टूट के गए हुए हैं, उनके तो टुकड़े हुए हैं वहां पे जाके। जी सुनीला सर, जी सर जो बात करते हैं ज्यादातर, जैसे सत्ता की बात आ रही थी, बार बार हम ना वहां पहुंच जाते हैं कुछ कि सत्ता आएगी, सत्ता सत्ता से होगा, तो हमें ये बात कभी करनी नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। सत्ता सत्ता तो जो भी होगी, अगर हम इकट्ठे होंगे तो हमारी बात मानेंगे। अब जिसको भी हम बात करते हैं थोड़े बहुत ठीक ठाक हो, उन लोगों के दिमाग में वही घुसा हुआ है, वोट किसको दोगे, सत्ता कैसे आएगी,
अब सत्ता भी जाएगी कि तो अगर सामाजिक तौर पे हम जैसे हालत हमारी है जिन बुराइयों में पड़े हुए हैं हम तो आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो तो शासक वर्ग है वो वैसे ही करेगा जैसे और सत्ता कर रही है, कोई फर्क नहीं होता है। परियार सर जी, जब जब भैंस पानी में चली गई तो उन्होंने कहा कि भैया ये भैंस अब श्रील कास्टो की है, जाके निकाल लो पंजाब के अंदर, ठीक है। और जब यह दिल्ली के अंदर क्या बोलते हैं ये जो केजरीवाल है, जब इसको लगा कि चुनाव आने वाले, अभी चुनाव आने वाले अप्रैल में फिर, तो इसने कहा कि उसमें जवाहरलाल नेहरू में मैं डॉक्टर अम्बेडकर का शो कर रहा हूँ, सबसे बड़ा देखने आ जाओ। वो बुला किसको रहा है? अम्बेडकरवादियों को। उसके वोट कौन है? अम्बेडकरवादी। तो दरअसल क्या है कि इनको किसी भी हालत में जागृत ना होने दें और इनका इस्तेमाल करते रहे, वो सब भी काम करते रहते हैं। मगर यहाँ जितनी भी कमियां बता के गए वो ना केजरीवाल की बता के गए ना वो कांग्रेस की बता के गए, वो कमियां अपनी बता गए कि भाई हम ही अज्ञान है, हमें जागृत नहीं है, हम ही पागल हैं, हमको समझ नहीं है। तो समझ तो हमको ही आनी है। और ये जो राजनीति का जो रोग है ये हमारे लोगों ने लगाया हुआ है, जो ताला चाबी हमारे दिमाग में फिट कर दिया और 70 साल से हमको राजनीति का भाषण पिला दिया। राजनीति और दुश्मन दो शब्द ऐसे दिमाग में फिट कर रखे हैं कि वो जाने अनजाने हमारे मुंह से निकल जाते हैं, वो भाषणों में निकल जाते हैं, वो भाषण ही 70 साल से राजनीति उस पर ब्राह्मण पर दुश्मन चल रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मण को ही प्रमोट किया है और दुश्मन को प्रमोट किया है, अपने आप को प्रमोट ही नहीं किया कभी। वो अपनी ताकत कभी बताते नहीं कि हम ये है, हम ये है, ये तो समण संघ है जो ये कहता है कि भैया हम इकट्ठे होते हैं, हम दूसरी बात नहीं करते। जी परिहार सर, बिल्कुल एक मिनट मैं ले सकता हूँ। बोलिए 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 रवि, रवि महेश साहब आए हुए हैं, बोलिए रवि जी। हाँ बोलिए 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 रवि माया जी बोलिए। आए से आए सर आए रवि माया जी। अच्छा मैं सुन रहा था, काफी सुना आप लोगों को और थैंक यू आपका, पहले तो बहुत बढ़िया टॉपिक आपने लिया है। तो 70 साल में मैं ये आप बोलना चाहता था कि साहब कंची राम जी ने इकट्ठे करने का एक मकसद तो किया था और बहुत सारे लोग इकट्ठे भी हुए और करोड़ों लोग उनके साथ चले, और उसके बाद जो मानवर कांशीराम जी के साथ हुआ या उसके बाद जो भी अपने मूवमेंट का हुआ वो सभी जानते हैं। इकट्ठे होने का है तो है लोगों के पास और लोग चाहते हैं, पर जो ईमानदार लीडरशिप है जो आगे लेकर जाने वाले हैं, मानवर कांशी राम जी के बाद मेरा ख्याल है बहुत कम लोग आगे आए हैं जो अपने स्वार्थ के ऊपर उठकर लोगों को साथ लेकर चले, अपना स्वार्थपना अपना सेल्फनेस जो है वो आगे रखकर चल रहे हैं। तो सभी मेरा ख्याल है करोड़ों लोग वो एक साथ फिर इकट्ठे हो सकते हैं जैसे मानवर कांशी राम जी ने किए थे। और टॉप का कोई भी हो और राजनीतिक हो सामाजिक हो या कुछ भी हो, तो आप लोग ऐसे चलेंगे तो जरूर लोग साथ आएंगे। और अब काफी जो है संगठनों में लोग बंटे हुए हैं, एक दूसरे के ना करते हैं, जैसे कुछ लोग मुझे नहीं चाहते, कुछ लोग और दूसरों को नहीं चाहते, कुछ लोग बैल साहब का या कुछ दूसरे का नाम आएगा वो चले जाएंगे वो आ जाएंगे, तो ऐसे लोगों में थोड़ा ईर्ष्या भी है। तो ईर्ष्या मेरा ख्याल वो तम की कमी है या समझने की कमी है या ईगो की कमी है। तो उसके बाद लोग जुड़ते जाएंगे और जुड़ेंगे जरूर। तो और मेरा अपना मानना कि जैसे आप लोग काम करते हैं जब लोग समझ हो गया तो जरूर एक साथ जुड़ेंगे वो। तो जय भीम नौ मत रवि भाई सर, सर जी मैं कुछ बोलिए सर, दो हैंडे ओले पड़ रहे हैं हमारे दिल्ली में, तो ओले पड़ रहे हैं तगड़े इस समय। हाँ वो काफी आ रही है ओले, उधर दादरी वादरी हरियाणा की भी आ रही है, उधर रिवाड़ी भी बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं बताओ 11:30 बजे रात को। बिल्कुल बिल्कुल उनको भी लो, जो चंद्र बोध और डॉक्टर अंजना जो सुनील जी होंगे अनिल। सबसे पहली मिस्टेक तो हमारी है सर, हमारे लोग स्टार्टिंग में पढ़ लिख तो गए सर, मगर उनने जैसे बाकी लोगों में होता है 3.5% लोग अपने बच्चों को शुरू से अपने संस्कार अपने कल्चर पे प्रैक्टिस कराते हैं। हमने अपने बच्चों को, जहां तक मैं जितने लोगों को जानता हूं अपने लोगों को, वो खुद तो इन्वॉल्व हुए सर, मगर अपने बच्चों को उनने ना अपने महापुरुषों के बारे में बताया, ना संघ के बारे में बताया, ना अपने संस्कार के बारे में बताया। तो हम
जोड़ने किसको जा रहे हैं सर? बाहर जोड़ने जा रहे हैं, जबकि हम अपने घर के परिवार के लोगों को ही सही से नहीं जोड़ पाए थे। तो सबसे जरूरी है कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल हमारी महापुरुषों की जो किताबें हैं उनके स्ट्रगल हैं वो बताएं और अपने साथ उनको भी इन्वॉल्व करें। मैं अपनी बेटी को हमेशा उसको भी बोलता हूँ जुड़ो, उसको मैंने बुक्स ला के दिए कि वो जुड़े। सर हम हमारे एज के लोग अभी एक्टिव हो रहे हैं या पहले भी एक्टिव हुए हैं, मगर वो जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है हम वो बीच में गैप छोड़ दे रहे हैं सर, वो गैप फुलफिल ही नहीं हो रहा है। एक पीढ़ी जा रही है फिर बीच में गैप हो जा रहा है। हमको जैसे आपने दूसरी कम्युनिटी में देखा होगा वो अपने बच्चों को बचपन से लेके जाते या गुरुद्वारे लेके जाएंगे, चर्च लेके जाएंगे, और आप देखिएगा संगठित वही है जो रेगुलर मीटिंग करते हैं कंपलसरी। सर कंपलसरी रेगुलर मीटिंग होनी ही चाहिए सर। तो वो आपस में हम लोग क्या है कि कंपलसरी रेगुलर मीटिंग नहीं करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सर। और कुछ स्टडी मैंने की है, मैं चाहूंगा कि अपन यदि कहीं ऐसा मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 अप्रैल को मैं भी आऊं सर नागपुर, यदि मौका मिल गया तो। तो मैं चाहता हूं कि अपने जो कुछ खास लोग हैं सर उनको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है। मेरे को भी नहीं थी सर पहले, मगर एक आपने भी एक चीज अनुभव किया होगा, आपके पास एक चीज का प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट लेके 5 लोग आते हैं या 10 लोग आते हैं, आप 9 को मना कर देते हो, 10वें को आप मना नहीं कर पाते सर। उस 10वें को आप मना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस 10वें में कुछ डिफरेंट है, उसके बताने का तरीका, उसका सारा चीज अलग है। आप 10वें से आपने 9 लोग को डिसएग्री किया मगर आप 10वें से एग्री कर लेते हो, जबकि आप वो एग्री करना नहीं चाहते फिर भी आप एग्री कर लेते हो सर। वो साइंस है। मैं चाहे तो वो डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा शेयर कर सकता हूं। तो मेरे को लगता है कि हमको साइंस साइकोलॉजी सबका हेल्प लेनी चाहिए सर। जी सर, जी सर। जरा आपका नंबर बोलना डॉक्टर साहब। मैं ऑलरेडी है हूँ, मेरे को जोड़ रखा है सर। 9824 मेरे को आप मैडम का आपका नहीं है मेरे पास। अच्छा 9824 जी 9824209161 ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, इस पे मैं रहता हूँ, मगर यदि कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ भेजना होगा तो एक और नंबर लिख लीजिए जी 8155 सॉरी एक आपको बता रहा हूँ, एक दूसरा नंबर। चंद्रबोध सर आपका भी हैंड रेज है। 8155 एक बात बोलना चाह रहा था। एक मिनट 8155 8151559 जी 81559 जी 26338 ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ सर साइकोलॉजी कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, अपन शायद पर्सनली अपन टॉक करके बात कर सकते हैं उस पे जी जी, तो वो हमको बहुत हेल्पफुल रहेंगे सर। रंजन सर जेंद्र बोध जी सर, एक मिनट श्याम कुमार जी सर। सर मैं एक बात और बोलना चाह रहा था कि जैसे सर जो जहां तक मैंने अपने यहाँ दतिया जिले की बात करूं या और जगह भी ऐसा हो रहा हो तो मैं जो पर्सनल जो अनुभव है वो बता रहा हूं कि इसमें जुड़ने जोड़ने में एक समस्या ये भी आ रही है कि जैसे अगर कोई कर्मचारी नहीं है समण संघ में, ऐसा व्यक्ति अपने को जुड़ा है कि जो कोई पद पर नहीं है या कोई थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास कर्मचारी है, अगर वो व्यक्ति फर्स्ट क्लास कोई ऑफिसर है उसको अपने जो समर्थ संघ का कंसेप्ट बताता है तो एक तो वो सीरियसली नहीं लेता है वो व्यक्ति, वो क्या मैं क्यों सुनना चाहूंगा थर्ड क्लास का व्यक्ति मुझे फर्स्ट क्लास को समझाएगा, तो वो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है या सुनने के बाद भी उसको इग्नोर करता है भले ही वो 100% सही बात क्यों ना हो। तो ये एक बड़ी समस्या आ रही है, यानी हमें जो बड़ा अधिकारी है अगर वो कई कंसेप्ट बताता है तो बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट जल्दी कर लेते हैं, तो ये सर समस्या है। तो यदि हम फर्स्ट क्लास या जो अच्छे पदों पर हैं जिनको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं अगर उनको हमने कन्विंस कर लिया या उनको समझाने की कोशिश कर ली तो थोड़ा सा काम और जल्दी हो सकता है।
सर सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को जोड़ने में हो रही है, उन्हीं को जोड़ने में हो रही है। मैं ये तो अभी बात कर रहा था कि उनके अपने अहम इतना है, ईगो है, मैं बहुत है उनमें। तो जितना ज्यादा पेड़ है उतना ही ज्यादा अपने आप को ऊपर उठा के बैठा है आसमान में। अरे भाई वो तो सोसाइटी दूसरी में है। यस यस सर, वो अपनी सोसाइटी में नहीं है। आ रही है सर, ज्यादातर लोगों के साथ यही आ रहा है। उनके चक्कर में ज्यादा पड़ो भी मत। टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है उनको, लगे रहते हैं, वो कोई तैयार नहीं। वो सबसे लास्ट कम्युनिटी है, वो सबसे लास्ट रो है वो। Yes, आएंगे तो सही, लेकिन सबसे लास्ट में आएंगे वो, इसलिए उनको तो जरा पेंडिंग में चलने दो। आएंगे जरूर, जब वो देखेंगे ना कि अब यहाँ पे मतलब स्ट्रेंथ अच्छी हो गई, वो तब आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे सर वो लोग। हाँ वो लास्ट लाइन है सर, वो लास्ट लाइन है। तो ट्राई करना है सर, मैं रोज मतलब कोशिश करता हूँ, यदि किसी दिन मिल गया तो किसी दिन 4 घंटे 5 घंटे नॉन स्टॉप चांद तक एकदम दिमाग खाली हो जाता है सर, नॉन स्टॉप 1-to-1 कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सक्सेस रेट है, अभी 15 दिन में मैं और मिसेस ने 23 लोग को जोड़ दिया है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आता है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा। डॉक्टर रंजन सर, मैं जानना चाहता हूँ आपका। डॉक्टर रंजन सर, सर मैं जानना चाहता हूँ आपका सब्जेक्ट क्या है, मतलब जैसे कि आप मेडिकल में अलग अलग लाइन होती है तो आपकी कौन सी है सर? इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑटोमेशन का भी काम करता हूँ, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। ओके सर, उसमें मेरा काम है सर, और मैं माइंस में मैनेजर हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और एक्चुअल में क्या है कि जो मैं आपको बता रहा था ना सर, बिलीव सिस्टम और कुछ साइकोलॉजिकल भी, साइकोलॉजिकल कुछ स्टडियां ऐसी आई है कि किसी को आप कन्विंस करवा सकते हैं सर, तो उसको आपको साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा सर। वो बहुत वर्क, वो फ्रूटफुल है और वो वर्क करती है सर। तो अपन अपने लोग को जो अपने स्पोक्स हैं, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यदि उनको थोड़ा सा फाइन टच या कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बताया जाए। एक्चुअल में होता क्या है, आपको ये जानना है कि जैसे हमने किसी से टाइम लिया, हम उसको समझा रहे हैं सर, तो हम क्या है कि बकते जाते हैं। हमको एक ही मौका मिलता है सर किसी को कन्विंस करने का, यदि वो पॉजिटिव नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, ये आपको जज करना आना चाहिए। उसके लिए बॉडी लैंग्वेज के कुछ साइंस होते हैं सर, यदि वो उसका दिमाग आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और आप उसको जबरदस्ती अपने कॉन्सेप्ट बता रहे हो, तो वो जो फ्यूचर में जुड़ने वाला है वो भी आपसे नहीं जुड़ेगा सर। तो आपको स्टार्टिंग से ही पता कर लेना है कि यदि आदमी पॉजिटिव है, आपकी बात सुनने के लायक है कि नहीं। डॉक्टर्स लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे ब्रेन में एक एमिग्डाला होता है सर, वो फ्लाइट एंड फाइट मोड पे वर्क करता है। आपने जैसा ही बोलना शुरू किया, वो देखता है कि उसके बिलीफ सिस्टम के साथ वो आपके कॉन्सेप्ट मैच कर रहे हैं कि नहीं। यदि वो मैच नहीं कर रहे तो आपके सारे सिग्नल को वहीं ब्लॉक कर देगा, वो आपके डिसीजन मेकिंग को सामने वाले को लेने नहीं देगा, वो आप बोलते रहिए वो सुनेगा ही। तो कुछ बॉडी साइंस ऐसे होते हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि वो पर्सन पॉजिटिव है कि नहीं। यदि पॉजिटिव नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट वहां मत कीजिए, नॉर्मल बात करके वहां से निकल जाइए। जब आपको ऐसा लगेगा कि वो पॉजिटिव है तब आप उससे बात कीजिए सर। ये फंडा बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है, और मार्केटिंग वाले IIM है सर, वहां पे इस चीज को सिखाया जाता है। चलो सर, 11:30 डॉक्टर यूवी मिनट सर, आप बताएं सर। मैं डॉक्टर रंजन साहब, डॉक्टर अनिल है सर, सिंह सर, डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोगों की है जो आपको समझते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन सभी लोगों को जिनको संघ की जरूरत है। हमारे अंदर वो ट्रेनिंग नहीं है कि हम ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी आदमी को भी ये समझा पाए कि उसको संघ की क्यों जरूरत है। अगर वो हम समझा पाए, अगर हम उसमें सफल हो गए, तो जैसे देखिए कि
ईंट पे ईंट रख दो तो कोई वो जुड़ती नहीं है जब तक उसके अंदर सीमेंट नहीं डालता। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि भाई आदमी आदमी से जुड़ता नहीं है जब तक उसके अंदर विचारधारा का सोच विचार का हम सीमेंट नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं जुड़ेगा। तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, हमें एक एक आदमी को परखने की जरूरत नहीं है। हम मैस मतलब मीडिया में अगर जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू एस्टेब्लिश कर पाए कि संघ की क्यों जरूरत है, संघ की एब्सेंस में हमें क्या नुकसान हो गया, संघ में जुड़ेंगे तो हमें क्या बेनिफिट हो जाएंगे, ये सब समझाने के कारण एक आदमी दूसरे आदमी से जुड़ेगा और जिस दिन हम जुड़ेंगे तूफान आ जाएगा हमारे लोगों का। जय भीम नवोदय। हमें प्रोफेशनलिज्म नहीं जुड़ता यहाँ पे, उससे नहीं काम चलेगा, वो तो थोड़े लोग होंगे। हमें तो हर एक को टीचर बनाना है, लाखों टीचर बनाने जल्दी से जल्दी, कंसेप्ट जो समझ लें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर यूवी सिंह सर आप बोलने पे डॉक्टर साहब सॉरी मैंने हम रात्रि करते हैं। नहीं सर, मैं तो मैं डॉक्टर रंजन साहब को भी सुना, ये अनिल वांडकर है सर, ये मैडम का नाम है डॉक्टर। मेरा ये मानना है सर कि हम अपना काम करें, हम अपना काम करें, अपनी सीमाओं के अनुसार काम करें। ये बड़े और छोटे का जो अंतर है ये तो नेचुरल है, कुछ रहता ही है। अगर हमारा समर्पण है, अगर हमारा व्यक्तित्व सही है तो बड़े भी मानते हैं और छोटे भी मानते हैं। मैं इस बात को मैंने प्रैक्टिस किया है अपने जीवन में और लगभग 40 वर्षों से बड़े भी समझते हैं छोटे भी समझते हैं, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हमें निराशावादी एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहिए, अपने काम को निरंतर करते रहना चाहिए, आलोचना कम करें और अपने काम को निरंतर निरंतर बढ़ाते रहें। सफलता ना मिले ये हो नहीं सकता। तो धन्यवाद सर, आप सभी लोगों ने भाग लिया। राइट सर, राइट। और डॉक्टर रंजन आपसे अभी मैं टेलीफोन से बात करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक भैया, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, धम रात्रि, धम रात्रि, धम रात्रि, तो देखो धम रात्रि, धम रात्रि, जय भीम, नमो भीमाय, जय भीम, सभी को धम रात्रि, जय भीम, धम रात्रि, धम रात्रि, धम रात्रि, धम रात्रि, नमो भीमाय, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। ऐसा लगता है कि धमरात्रि धमरात्रि तो सभी कर रहे हैं लेकिन जाने को कोई भी तैयार नहीं है। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्म सरणं गच्छामि।
Sangam Sarnam Garchami.